सबको अनम्यूट, सबको ये कर सकते हो ना, ऐसे चलते रहेगा हैं, जुड़िएगा। सामान लेके निकल गए। अरे यार पाव भाजी खा के पेट भर गया मेरा। नरेंद्र जी हैं क्या? हेलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ सबको जो है म्यूट कर दीजिएगा। हाँ अभी ठीक है, ठीक लोग ज्वाइन करेंगे तो फिर जैसे रहेगा, जैसे ज्वाइन करेंगे हमें उसमें से आवाजें आती रहेगी। ठीक ठीक है। म्यूट ऑल कैसे हो? हेलो। हाँ बोलिए नरेंद्र जी। हाँ सर वो अभी तो टाइम हुआ भी नहीं था, सब लोग जुड़ने लगे सर। हाँ तो नो प्रॉब्लम है। ऑफिशियल टाइम 11:30 है, देन ये जो है बफर टाइम है जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेंट जो हैं और पैनलिस्ट वो इसमें आ जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे, तो शार्प 11:30 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है तो इन बिटवीन तो जो भी चीजें हैं उनको आप वो कन्वर्सेशन कर लें। उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है या कोई ये तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है? क्या कौन करेंगे वहाँ से? अप्रीता क्या नाम है वो जुड़ी है क्या? हाँ अभी आएंगे 11:15 पे वो ऐड होंगी। तो जो भी होस्ट इसमें करेगा वो अपना पूछेंगे, तो 5 मिनट और रुक जाइए और उसके बाद से फिर क्या होगा कि इसको फेसबुक पे लाइव भी आप कीजिए। हाँ फेसबुक पे लिंक डाला हुआ है ना। हाँ तो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है लेकिन लाइव स्टार्ट कीजिए। लाइव स्टार्ट कर दो फेसबुक पे। हाँ अरे फेसबुक पे हम मेरा जाना इम्पोर्टेंट ना है। और कोई नहीं सुन रहा है जी, खाली दुबे जी है ना? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ और कोई नहीं सुन रहा है सर? नहीं आपने सबको म्यूट किया, सुनने नहीं को तो सभी लोग सुनेंगे ना, बोल नहीं कर पाएगा। ओह तब तो गड़बड़ है, कैजुअल टॉक नहीं हो सकता है। यस यस यू कैन नॉट डू हियर। आप मुझे कॉल कीजिए और अपना यहाँ पे बंद कीजिए। हाँ कैजुअल टॉक के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा सर। हाँ प्लीज, हाँ प्लीज कॉल मी। इसको प्रैक्टिस करना होगा। मेरा फोन कहाँ है? वहाँ है। कहाँ? यहाँ से बंद करना। हेलो बोलिए। हेलो हाँ सर, ये लाइव फेसबुक पे लाइव कर दिया गया सर? यस यस आई कैन सी इट लाइव ऑन फेसबुक। दिख रहा है उस पे जो मेन पेज होता है उस पे दिख रहा है रिकॉर्डिंग लाइव ऑन फेसबुक। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर अभिषेक दुबे फ्रॉम राम जयपाल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, और हमको इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लेकिन आपकी टीम ये पूरा मॉडरेशन करेगी। और इसमें एक चीज़ है कि सभी जितने भी पार्टिसिपेंट पैनलिस्ट हैं अभी उनको सबको म्यूट किया गया है, और जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो यहाँ होस्ट कमांड देंगे और जिसका टर्न आएगा वो उनको अनम्यूट कर देंगे और वो बोलेंगे, और जो मॉडरेटर रहेंगे वो थ्रू आउट द सेशन अपने आप को अनम्यूट किए रहेंगे, इससे उनको बार बार वो कमांड न देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से हमने सेंट्रली उसको कंट्रोल किया है कि पीछे से कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसीलिए जिस जिस का टर्न आएगा वो उनको यहाँ से अनम्यूट कर दिया जाएगा और वो अपना जब उनका टर्न आएगा तो नाश्ता कर लेना, इडली बनी होती है। ले लो, तुम्हें पता नहीं कहाँ है। अरे तो अंदर होगा, वहाँ होगा। मुझे डिस्टर्ब मत कर अपूर, मेरी वो चल रही है बेटा, और अभी शुरू नहीं हुआ इसलिए बोल पा रही हूँ। यहाँ पे बाबा नहीं आना। क्या हुआ? सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है 11:30 से स्टार्ट होगा और हमने 11 o'clock पे इसको ओपन किया था कि हाफ एन आवर के बीच में सभी लोग इसमें इन कर जाएं और सेटल हो जाए। सो 11:30 वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम। काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कब से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने ये बता कि आप लोग इसमें आ जाएं। और अभी तक 115 पार्टिसिपेंट ऑलरेडी इसमें इन हो चुके हैं। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विकास शर्मा मैं बोल रहा हूँ। तो आज का सत्र आप मॉडरेट ये पूरा करेंगे ना सर, मॉडरेशन? जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसमें ये आप देखिएगा Q&A सेक्शन में जो भी है, किसी का भी क्वेश्चन अगर सबमिट करता है तो उसको आप वो देखिएगा कि क्या क्वेश्चन है। अगर पार्टिसिपेंट्स या अटेंडीज में से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप पटल पे ला करके उसको डालिएगा। और दूसरे अलावा अटेंडीज में काफ़ी लोगों ने हैंड रेज किया है तो उनकी भी पर्सनल जाकर के उनसे चैट करके आप क्वेरीज कर सकते हैं कि क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आवाज़ नहीं आ रही है, या कोई किसी भी तरह की। मेरी आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही है साहब? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। तो इस चीजों को भी इन बिटवीन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो काफी अच्छे होते हैं जिसको हमको। इसमें अपने सभी लोग जुड़ गए हैं क्या, जो बाकी अपने कार्यक्रम के जो अतिथि वगैरह हैं? सबको इन्विटेशन दिया गया था पैनलिस्ट के रूप में, जो मुझे लिस्ट मिली थी। और उसमें अभी तक पैनलिस्ट में अभी 12 ही लोग जुटे हुए हैं, जबकि वो लिस्ट 29 लोगों की थी। तो अभी स्टिल पीपल आर गेटिंग इन और सेटल हो रहे हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट है। इन बिटवीन आप जो है इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी चीज़ें हैं कि आप बताना चाहते हैं पार्टिसिपेंट्स को, तो प्लीज़ इसको जो है आप थोड़ा बात करिए। सिंस यू आर होस्टिंग द सेशन सो प्लीज टॉक टू देम एंड इंटरेक्ट विद देम। Now it's over to you. Please go ahead and just inform. और इस प्रोग्राम के बारे में कुछ अपना बताइए पार्टिसिपेंट्स। जरूर जरूर। अभी 11:30 से हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे जो समय है उसके अनुसार। उससे पहले एक बार सभी अपने सदस्य जुड़ जाएं तो सभी के साथ अच्छा रहता है। तो 5-7 मिनट हम वेट भी कर सकते हैं। बस जुड़े रहें हमारे साथ में। और एक बार जो अपने मुख्य सदस्य हैं, मैं एक बार उनसे बात करके एक बार सूचना दे देता हूं दोबारा से। और इसमें जो आपने ये जो भेजा है इसी सीक्वेंस में सब लोग को आप इनवाइट करेंगे बुलाने के लिए उधर उनके प्रेजेंटेशन। जी जी सर बिल्कुल। तो उसी हिसाब से उनका जब नाम लेंगे तो वो पैनलिस्ट में रहेंगे, तो पैनलिस्ट से उनको हम जो है अनम्यूट यहाँ से करेंगे तो वो अपना बोलना है। थ्रू आउट द सेशन आप अनम्यूट रहेंगे, मैं अनम्यूट रहूंगा और रामजयपाल कॉलेज का जो होस्ट है वो अनम्यूट रहेंगे और सभी लोग को म्यूट किया जाएगा कि कोई इंटरप्शन इन बिटवीन ना हो। और जिस भी पार्टिसिपेंट का या जो प्रेजेंटर है उनका टर्न आएगा तो उनको अनम्यूट किया जाएगा। भारती जी, कामना विमल जी अभी नहीं जुड़े हैं। हेलो हेलो, हाँ जी कौन बोल रहे हैं? IT सपोर्ट से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, आपका नेट तो थोड़ा कमजोर लग रहा है। मेरा आवाज साफ नहीं आ रहा है? नहीं, कभी कभी। अच्छा ठीक है। एक्चुअली मैं तो मॉडरेशन नहीं कर रहा हूँ, मॉडरेशन विकास शर्मा जी करेंगे इस पूरे सेशन को। तो विकास जी आप जरा चेक कर लीजिए कि मतलब आपका पूरा बैंडविड्थ सही है और आपकी आवाज जो है अच्छे से आए, क्योंकि आपको थ्रू आउट द सेशन आपको बात करना है। तो प्लीज चेक और आप जरा उसको देख लीजिए, क्योंकि मेरा मैंने बस इंट्रोड्यूस कर दिया और इसके बाद से आप इसमें इसको कैरी ऑन। अभिषेक दुबे पकड़, इधर हो, इसको पकड़ के रखो। हां पकड़ के रखो, इसको पकड़ के रखो। सब पकड़े रहेंगे भाई, आवाज आ रही है इसमें रख देना सर। अभी तक पैनलिस्ट में 13 लोग जुड़े हुए हैं और आई थिंक 16 लोग और हैं जो जुड़ेंगे इसमें। शशि मैम भी जुड़ गए हैं, अपर्णा जी जुड़ गई हैं। अपर्णा जी विकास जी, मेरा स्क्रीन नेम रीना कपूर के नाम से आ रहा है। हाँ, आप सभी से एक आग्रह भी है कि अपने आप जब चैट बॉक्स में जाएंगे तो उसमें रीनेम का एक ऑप्शन आता है। पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे तब उसमें रीनेम का एक ऑप्शन आता है, अपने नाम पर क्लिक करेंगे तो उसमें आप अपना नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं ताकि हमें उसको दिखलाई पड़ सके सभी लोगों को। मैम नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए मैम। आप की अच्छा बोल रहे हैं सर, जिनका नाम चेंज करना है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं यहाँ से हम लोग। विकास क्या हाल है? मैम बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत दिनों में देख रहे हैं अभिषेक जी, आप बहुत अच्छा काम आपने संभाला। मैम नमस्कार। हाँ सुप्रिया, सहयोग है और अच्छा लग रहा है फिर से जुड़ने में, कि फिर से आप मौका मिलेगा। आज जो यंग ब्रिगेड है जो भी है, हाँ बिल्कुल हम लोग अच्छा लगेगा। आपके सर आएंगे? गुड मॉर्निंग। हाँ सर बोला है, उन्होंने बोला है कि पर्दा ठीक करने के लिए कर दिया है। भारती रोड की ये रोड लेक्चरर नमस्कार अलीगढ़ से आए हुए हैं, अलीगढ़ के आएंगे। नमस्कार विकास जी। नमस्कार बहन जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा एक धनंजय। हेलो मैम नमस्ते, सभी लोगों को नमस्कार। अभिषेक जी, एक बच्चा है राम के नाम से, तो वो उसको अपने यहाँ पर सरस्वती वंदना करना है, तो उसको हम कैसे पार्टिसिपेंट्स में जाकर के सर्च कर सकते हैं? उसको पार्टिसिपेंट में अभी मैं बोल देता हूँ राम जयपाल कॉलेज के होस्ट को, तो वो सर्च करके उनको पैनलिस्ट में डाल। हेलो जी, ठीक है। हेलो नरेंद्र जी बोल रहे हैं। नरेंद्र जी सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं सर। उसमें जो है राम नाम के हैं, उनको आप अटेंडीज में देखिए, अटेंडीज से उनको पैनलिस्ट में लेके आइए, तो वो सरस्वती वंदना करेंगे, तो उनको जरा सर्च कीजिए। राम राम विकास जी नाम सही है ना? राम जी नाम है ना उनका? राम से तीन नाम दिखा रहे हैं सर। राम सागर शुक्ला और राम सिकील और राम मायाराम। विकास जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अभिषेक जी आवाज आ रही है? मैं ये बोल रहा हूँ विकास जी। हाँ जी। जो सरस्वती वंदना करेंगे उनका पूरा नाम क्या है? उनका राम के नाम से है, उनके मैं ईमेल आईडी आपको सेंड कर दूं क्या? क्योंकि इसमें तीन लोग जुड़े हुए हैं जो राम करके हैं, राम विलास और समथिंग करके हैं, तो एग्जैक्ट जो है उनसे बोलिए कि आप वो अपना हैंड रेस करें, तो उसमें अटेंडीज में जा करके हम उनको पिक कर देंगे। राम सुन रहे हैं, आप अपना हैंड रेस करें और अपना नाम लिख दें राम श्री वेंकटेश्वर कॉलेज के नाम से। जस्ट नीचे वो हैंड रेस का है, हैंड उसको बस क्लिक कर देंगे तो हम उनको पिक करके लेके आएंगे इसमें पैनलिस्ट में। राम जुड़े हुए हैं। राम वो सुन पाएंगे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे सर। नहीं वो हैंड रेस कर सकते हैं ना? वो हैंड रेस कर रहे हैं, राम सिकील करके है। हाँ राम शिकिल वही है। हाँ तो उनको आप जो है पैनलिस्ट में लेके आइए। ठीक है, पैनलिस्ट में आ गए। पैनलिस्ट में आ गए ना? सुरजीत जी आ गए हैं, प्रशांत जी भी जुड़ गए हैं। आप विकास जी ये देख लीजिए कि जो शुरू के तीन लोग स्पीकर हैं वो लोग जुड़े हैं कि नहीं, तो बाद वालों के बीच में आप कांटेक्ट करके बुला सकते हैं। शुरू के तीन लोग को देखिए, राम शिकिल से बात कर लीजिए। राम जुड़ गए जी। राम सिकिल जी आ गए हैं पैनलिस्ट में, और अभी आपका 11:28 हो गया है। सो नाउ यू कैन स्टार्ट, नाउ यू हैव 2 मिनट्स, तो उसके बाद से आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन को। ठीक है सर, ठीक है। राम आपको आवाज सुनाई दे रही होगी? जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है, हम कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। मैम आज्ञा है, शुरू करें। सेशन चेयर आ गए? प्रशांत है इधर? प्रशांत जी आ गए हैं। अच्छा, प्रशांत है। ठीक है जी जी जी। आशा लता पांडे मैम जुड़ गई हैं क्या? मैंने देखा नहीं अभी। जुड़ जाएंगे बीच में तो फिर अभी हम शुरू करते हैं। शशि मैम नमस्ते। राम सिकिल जी जरा आप अपना देखिए, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई दे रही है जी। अच्छा, जी आप हैं कामना, तो आप एक बार थोड़ा बोलिए तो हमको देखेंगे कि आपकी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं हमें, तो और भी पार्टिसिपेंट क्योंकि आप सरस्वती वंदना करेंगे तो जी आप बोलिए। जी सर मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ थोड़ा कट कट के आ रहा है बट यह अच्छा है, मतलब ऑडिबल है, थोड़ा नेटवर्क की ही इश्यू है। जी सर ऑलरेडी हमारे 157 पार्टिसिपेंट्स इसमें ऑलरेडी इन कर चुके हैं और इसमें ऑलमोस्ट 20 पैनलिस्ट भी हैं। ठीक है सर, अभिषेक सर शुरू कर सकते हैं? यस यस प्लीज गो हेड। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी से आग्रह है कि अपने आपको आप म्यूट कर लेंगे ताकि बीच में आवाज इस तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा। वहां से रामजयपाल कॉलेज जो होस्ट है नरेश जी प्लीज सबको म्यूट कीजिए और बस जो राम सिकिल जी हैं और विकास जी को कमांड दीजिए आप, तो वही लोग बस बोलेंगे अभी। ठीक है सर, ओके थैंक यू। हाँ, ये म्यूट हो गया था। आप सभी को नमस्कार। तरुण तरंग वेव्स यूथ विंग व राम जयपाल कॉलेज छपरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित नेशनल वेबिनार परिसंवाद में आप सभी युवा वक्ताओं का, वेव्स के माननीय सदस्यों का, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का मैं डॉक्टर विकास शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करेंगे तब ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि वेव्स तरुण तरंग नित्य निरंतर संगोष्ठी युवाओं के मध्य में करता रहता है, उसी क्रम में आज का यह परिसंवाद है। आज का हमारा विषय है वर्तमान में युवा वर्ग की अपेक्षाएं और दायित्व। भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि हम अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं या शुभ कार्य करते हैं उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं, तो इस परिसंवाद का मंगलाचरण के माध्यम से कर रहे हैं। तो मैं जो अध्येताओं की इष्ट देवी है माँ सरस्वती का स्मरण करने के लिए मैं राम से आग्रह करता हूं कि माँ सरस्वती का वो स्मरण करें। राम आवाज आ रही है? राम कृपया राम को अनम्यूट करें। राम शिकिल तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेता पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत्रिभी देवहि सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती सजाड्या शुक्लं ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी मभयदा ज्ञानकारापहां अस्ति स्वाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां एतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदाम्। धन्यवाद राम। अब मैं तरुण तरंग वेव्स के अध्यक्ष श्रीमान आचार्य धनंजय जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्राध्यापक हैं। आपसे आग्रह है कि आज के कार्यक्रम के वक्ताओं का स्वागत एवं कार्यक्रम की प्रस्तावना सभा के समक्ष रखें। आचार्य धनंजय जी अपने आप को अनम्यूट करें। आप अपने आप को अनम्यूट करें। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आप आवाज आ रही है, बताइए। सभी लोगों को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विद्यमान आदरणीय शशि मैम और तमाम वरिष्ठ जन सभी का अभिवादन करता हुआ मैं सीधे अपने वक्तव्य पर आता हूँ। हमारा आज का जो निर्धारित विषय अर्थात वर्तमान में युवा वर्ग की अपेक्षाएं एवं दायित्व, मैं इसके विषय में दो शब्द कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस युवा शब्द के विषय में। तो यदि हम इस शब्द की संस्कृत मूलकता का बहुत अधिक विचार ना करें, इसे हम हिंदी का एक सामान्य शब्द मात्र मान ले, इसे हिंदी का एक सामान्य शब्द माने, तो हम देखते हैं कि यह युवा शब्द जो है वह वायु शब्द का अगर वर्ण विपर्य कर लें, वायु युवा, तो वायु शब्द का वर्ण विपर्य जान पड़ता है। और इसको ऐसा कहने के पीछे मेरा चिंतन, मेरी सोच ये है कि जिस तरह से वायु प्राण जीवन के लिए सबके आवश्यक है, आवश्यक तत्वों में अन्यतम है, उसी तरह से ये युवा जो है वह संपूर्ण समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, उसकी स्थिति के लिए अनिवार्यतम तत्व है। इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि इस युवा शब्द से वाच्य जो वर्ग है, तो युवा किसे कहा जाए, युवा किसे कहा जाए, यदि हम इस विषय को समझने का यत्न करें तो संस्कृत के छात्र होने के कारण मैं इस विषय में संस्कृत के संदर्भों से बात करना चाहूंगा। हरित संगीता में एक पंक्ति आई है, कहते हैं कि आषोडशाद भवेद बालः पंचत्रिंशत युवा नरः, अर्थात जन्म से 16 वर्ष पर्यंत व्यक्ति बालक होता है, 17वें वर्ष से आरंभ करके 35वें वर्ष पर्यंत यह युवावस्था होती है। एक दूसरा संदर्भ भी प्राप्त होता है, भरत धृत स्मृति से उद्धृत यह है वहां पे कहा गया कि आषोडशात् भवेत् बालः तरुणस्तत आचार्य जी की कनेक्टिविटी शायद गड़बड़ हो रही है। मेरी आवाज आ रही है विकास जी? हेलो बोलिए सर। आ रही है। हाँ। जी सर आ रही है। तो क्या कहते हैं 17वें से 70 वर्ष पर्यंत की आयु वाला व्यक्ति युवा होता है। तो ये जो दूसरा संदर्भ है, इस द्वितीय उक्ति के प्रामाण्य को मानने से हम में से बहुतों को युवावस्था प्राप्ति जन्य प्रसन्नता की अवाप्ति होगी, ऐसा मुझे लगता है। वैसे वर्तमान काल में भी सामान्यतः व्यक्ति के सेवानिवृत्ति का काल इसके आसपास ही स्वीकृत है। बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी? बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। इस प्रकार यह अवस्था संपूर्ण जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है। तो हम विचार कर रहे थे कि यह युवा वर्ग प्रत्येक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ग है। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन के या समाज के हेलो जी जी जी, आप बताइए सर। हाँ, जीवन के या समाज के किसी भी पक्ष के विषय में उसकी अपेक्षाएं ना हो या उसका उत्तरदायित्व ना हो। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि केवल अपेक्षा हो और उत्तरदायित्व ना हो, या केवल उत्तरदायित्व हो और अपेक्षा ना हो। क्योंकि यह एक ऐसा वर्ग है जो सामान्यतः अपेक्षा और उत्तरदायित्व दोनों पक्षों से समान रूप से संयुक्त रहा करता है। परंतु यदि हम युवा वर्ग को समाज के अन्य वर्गों यथा शिशु या बाल अथवा वृद्ध वर्ग के साथ तुलनात्मक दृष्टि से देखने का यत्न करें तो ये बात भी अत्यंत सहज और स्पष्ट रूप से विदित होती है कि यह युवा वर्ग समाज का सबसे अधिक दायित्ववान और डिलीवर करने वाला वर्ग है। सबसे अधिक अवस्था की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो समाज में प्रत्येक की सबसे अधिक अपेक्षा इसी वर्ग से हुआ करती है। वस्तुतः यह वर्ग समाज की रीढ़ अथवा आचार्य जी आपकी आवाज सर्वमान्य रूप से गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का आधार है। इस आश्रम में यही युवा वर्ग स्थित होता है। वस्तुतः यह आश्रम ही युवा वर्ग का आश्रम है। गृहस्थाश्रम के बिना अन्य आश्रमों का सम्यक निर्वाह हो ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे हम अलग से कहने की आवश्यकता भी नहीं है। पर एक बात और भी ध्यातव्य है कि समाज का जो निर्बल वर्ग होता है उसके या तो दायित्व होते ही नहीं या होते भी हैं तो बहुत कम। उदाहरण के रूप में हम शिशु और वृद्ध जनों को ले सकते हैं। तो तात्पर्य यह है कि सामाजिक जीवन के जितने भी पक्ष हो सकते हैं उन सभी में इस युवा वर्ग के लिए दोनों ही चीजें सबसे अधिक हुआ करती हैं, जहां इससे अपेक्षाएं भी होती हैं वहीं दायित्व भी होता है। वास्तव में इसलिए क्योंकि यह समाज का सबसे अधिक सशक्त वर्ग है और समाज में जो सबसे अधिक सशक्त हुआ करता है उसी के सबसे अधिक दायित्व भी हुआ करते हैं। इसलिए इस युवा वर्ग की अपेक्षाओं एवं दायित्वों के मध्य एक समुचित संतुलन का होना न केवल किसी समाज या राष्ट्र विशेष के लिए अपितु समस्त संसार और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए परमावश्यक है। यदि यह वर्ग अपनी अपेक्षाओं से अतिरेकी हो जाए तो समाज में तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वर्तमान में हम तथाकथित आंदोलनों में अवांछित हिंसा, जो अतिरेक है, हम उसकी निंदा कर रहे हैं, उस अतिरेक की निंदा है ये। और यहाँ यह भी कथनीय है कि यदि यह वर्ग केवल दायित्वों का निर्वाह करे तो यह भी ठीक नहीं होगा, इससे उसके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन पर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए इन दोनों के मध्य संतुलन अत्यंत आवश्यक है। अंत में मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि चाहे वह सृष्टि हो या स्थिति, निर्माण हो या निर्वाह, योग हो या क्षेम, इन सबका कर्ता आचार्य जी, आवाज आ रही है आपको? सतत जी आ रही है। जी। सतत थोड़ा सा कट रहा है आवाज, इसलिए मैं पता नहीं क्या हो जा रहा है। सर आप संक्षिप्त में स्वागत कर दीजिए। आप स्वागत करिए अपने युवा वक्ताओं का। जी, मैं अपने सभी युवा वक्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित जो भी हमारे युवा वक्ता हैं, इनमें से डॉक्टर कामना विमल और भी अन्य तमाम जो युवा वक्ता हैं, उन सबका मैं स्वागत करते हुए विकास जी से ये निवेदन करता हूँ कि वो कार्यक्रम का संचालन अपने हाथों में ले। धन्यवाद सभी लोगों को, नमस्कार। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा तकनीकी अव्यवस्था के कारण शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुँच पा रही थी। आशा है कि कभी जैसे विकास जी, इसमें बहुत सारे जैसे वेदर प्रॉब्लम की वजह से काफी लोग को कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो ये फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली वो फेसबुक पे भी जा करके देख सकता है, एटलीस्ट वो सुन सकता है। जैसा सर ने बताया, आप फेसबुक लाइव से भी डायरेक्ट आप इसको कार्यक्रम को सुन सकते हैं। वहाँ से सीधा राम जयपाल कॉलेज अपना लाइव इस कार्यक्रम को कर रहा है, तो आप फेसबुक से भी इससे आप जुड़ सकते हैं। आचार्य धनंजय जी का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत पुनः करता हूं। वर्तमान परिस्थितियों से आप सभी अवगत हैं कि किस प्रकार इस कोरोना रूपी दैत्य रक्तबीज ने संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में लिया हुआ है। इन कठिन परिस्थितियों में सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना जिनको करना पड़ रहा है वह है युवा, और विश्व में सर्वाधिक युवा देश भारत ही है। और भारत आज विश्व की महासत्ता बनने की ओर अग्रसर है, विश्व का नेतृत्व करने की ओर अग्रसर है, तो हमारा दायित्व भी अधिक बन जाता है। वैसे अनेक बार युवाओं ने ही भारत को विश्व गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, चाहे वह याज्ञवल्क, अष्टावक्र, गार्गी, मैत्रेयी, आचार्य शंकर, शिवाजी राजे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद आदि उदाहरण हमारे समक्ष हैं, जिन्होंने भारत का आध्यात्मिक एवं राजनीतिक रूप से नेतृत्व किया है। आज उसी प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता है। इन गंभीर परिस्थितियों में युवा वर्ग की क्या अपेक्षाएं और दायित्व हैं, आज परिसंवाद के माध्यम से हम उन पर चर्चा करेंगे। इस परिसंवाद का एक अन्य उद्देश्य यह है, जो मुख्य उद्देश्य है कि वेव्स के सदस्य संपूर्ण भारत में विभिन्न भागों में रहते हैं। कभी सेमिनार के माध्यम से उनसे मिलना हो पाता है, लेकिन आज इस ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से उनसे भेंट हो, उनके विचार हम सुने, यह इसका मुख्य उद्देश्य भी है। कुछ कार्यक्रम या परिसंवाद को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ सूचनाओं और कुछ नियमों पर हम ध्यान देंगे ताकि अपने कार्यक्रम अच्छी प्रकार से संपन्न हो सके। पहला है कि आप सभी के सामने जब स्क्रीन टच करते हैं तो अनम्यूट का ऑप्शन रहता है, तो सभी को यह पहले बताया भी गया है कि जब जिस वक्ता का समय आए तब तो वह अपने आप को अनम्यूट करके अपना वक्तव्य देंगे। और एक तरह से वक्तव्य नहीं, मतलब यह एक तरह से परिसंवाद है, हम संवाद करेंगे, व्याख्यान नहीं है। तो इसलिए इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि कम से कम सीमित शब्दों में अधिक से अधिक बातें कहेंगे ताकि दूसरे वक्ताओं को भी उनका अपना समय मिल सके। जो हमारे साथ श्रोतागण जुड़े हुए हैं वो अपना प्रश्न आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अपना नाम भी लिखें और अपना प्रश्न जिन वक्ताओं से है उनका नाम भी आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो हम वहां से प्रश्न ले सकते हैं। तीसरा एक जो महत्वपूर्ण बात है कि आपको 1 बजे जो चैट बॉक्स है उसके अंतर्गत एक लिंक प्राप्त होगा जिसे हम फीडबैक लिंक कहते हैं। आपको वो भरना अनिवार्य होगा। उसके भरने के पश्चात ही आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब हम आगे कार्यक्रम की ओर चलते हैं। कि कहते हैं कि यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तो जो भारतीय संस्कृति है, नित्य नूतन प्राचीन निरंतर आज तक चलती आ रही है, तो संस्कृति की बात करने के लिए मैं डॉक्टर कामना विमल से आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जो यूथ वक्ता हैं, युवा वक्ता हैं, उनके पास 5 मिनट का समय है और साथ में जो पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे हैं वो टिप्पणी के लिए अपने 3 से 5 मिनट हम ले सकते हैं। तो आपसे आग्रह है। डॉक्टर कामना विमल अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में प्राध्यापिका हैं और वेव्स के साथ हमारी सदस्य हैं। आपसे आग्रह है आपको अनम्यूट करके अपना जो है वक्तव्य रखें, समय का ध्यान रखें। विकास जी, एक बार बताएं क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? विकास जी, जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। चलिए बताइए, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं वेव्स के अपने जितने भी वरिष्ठ सदस्य हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं उन सभी का यहाँ अभिनंदन करती हूँ। मेरे जितने भी तरंग के साथी यहाँ हैं, मैं उन सब का भी अभिनंदन करती हूँ। पर्यवेक्षकों के रूप में हमारे गुरुजन जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ। और विकास जी, इस बात के लिए मैं विशेष रूप से आपको और आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ, आपकी सराहना करती हूँ कि आपने इस अति प्रासंगिक विषय को चुना। सामान्यतः हम युवा वर्ग से अपेक्षाओं की चर्चा अवश्य करते हैं, परंतु युवा वर्ग की अपेक्षाएं, यह विषय नूतन है और इस पर आपने विचार किया, इसे अपने विषय के रूप में चुना, इसके लिए आप सराहना के पात्र हैं। मैं आचार्य जी, हमारे तरुण तरंग के अध्यक्ष महोदय आचार्य जी से समर्थन रखती हूँ इस बात में कि युवा वर्ग किसी एक विशिष्ट आयु वर्ग का नाम नहीं हो सकता। अतः मेरे इस विचार का मैंने जो विचार किया है, इस विचार में युवा से मेरा तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कर्मठ है, ऊर्जा और उत्साह से संपन्न है। कहा भी गया है हमारे साहित्य में कि तेजस्वी नाम ही वयः न समीक्षते, अर्थात तेजस्वी के लिए किसी विशेष आयु वर्ग से संबंधित होना अनिवार्य नहीं है। जैसा कि अभी आपने विकास जी कहा ही है कि वर्तमान समय कोरोना काल से ग्रस्त है, परंतु वर्तमान का मैं इतना सीमित अर्थ नहीं रखती हूँ। वर्तमान में कोरोना से पूर्व का, कोरोना के मध्य, कोरोना संक्रमण का ये जो काल है यह है, और इसके पश्चात जो काल आएगा जो भी अत्यंत चुनौतियों से भरा हुआ होगा, मैं वर्तमान समय से यह भाव रखती हूँ। यह पूरा ही समय परिवर्तन का समय है। यदि हम बात करें तो इस कालावधि में प्रायः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गंभीर और अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम बात करें विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाले नित नए आविष्कारों की, या हम बात करें कि दूरसंचार के जितने नए प्रकार के माध्यम, एक नवीन माध्यम है जिसके माध्यम से आज हम जुड़े भी हुए हैं। चाहे हम युद्ध की नई नीतियों की बात करें या फिर युद्ध के नए शस्त्रों की बात करें, संक्षेप में कहें तो परिवर्तन प्राय इस समय यह समय है, और इस समय में युवा वर्ग एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है और निभाता रहेगा। कहते हैं एडेप्टेशन इज द की टू सर्वाइवल, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, सामंजस्य स्थापित कर लेना, यह जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य है। और युवा वर्ग परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पाता है और अन्य किसी वर्ग की तुलना में स्वयं को ढालने का यह गुण उसके अंदर कहीं अधिक होता है। अपनी आशावादी दृष्टिकोण, अपनी नवीन दृष्टि के कारण किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन, संकट, आपदा का सामना युवा वर्ग सरलता से कर लेता है। युवा वर्ग ही, जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि हमारी अपेक्षाएं युवा वर्ग से अधिक होती हैं, युवा वर्ग ही अपने राष्ट्र के भविष्य का निर्माता, कर्णधार होता है। जहाँ उसकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और कल्पनाएं किसी भी राष्ट्र के भविष्य को संवारती हैं, वहीं उसकी सकारात्मकता, उसकी क्रियाशीलता राष्ट्र के वर्तमान को भी निखारती है। निस्संदेह रूप से युवा वर्ग अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपने समाज के विकास के लिए उत्तरदायी है, परंतु वहीं अपनी शक्तियों के विकास के लिए उसकी अपनी भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। वह अपने समाज से, अपने राष्ट्र से अवसरों को प्राप्त करने की चाह रखता है, अपेक्षा रखता है। यद्यपि यह भी सत्य है कि अवसरों के अभाव को भी वह अवसर में परिवर्तित करने की योग्यता रखता है, परंतु वह रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहता है। वह निर्भीक होकर नव मार्गोन्मुख होना चाहता है। साथ ही वह ज्ञान, कला, सांस्कृतिक परंपराओं और मानवीय संवेदनाओं का संवाहक भी है, परंतु वह यह भी चाहता है कि उसकी संस्कृति, संस्कारों के माध्यम से उसको एक विशिष्ट व्यक्तित्व, एक विशेष पहचान प्रदान करे, जो विश्व में कहीं भी वह जाए तो वह उस राष्ट्र की मिट्टी से जुड़ा हुआ अपने आप को अनुभूत करे और विश्व में वही उसकी पहचान हो। वह किसी भी पूर्वाग्रह को, परंपरा को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहता। वह चाहता है कि वह अपनी तर्काधारित विश्लेषणात्मक बुद्धि से उसको समझे और तब उसको स्वीकार अथवा उसका पालन करे। कहा भी गया है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सह धर्मः, अर्थात जो उसके कल्याण के लिए, उसकी उन्नति के लिए उचित हो वही उसके लिए धर्म है। युवा वर्ग प्रतीक है असीमित ऊर्जा, अदम्य उत्साह और क्रियाशीलता का। यदि संयमित हो, सकारात्मक रूप से प्रेरित हो, कहा भी गया है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, यदि शिव संकल्पों से युक्त सकारात्मक दृष्टि दिशा में प्रेरित वह युवा अपने अवसरों का लाभ उठा पाए, तो वह निश्चित रूप से राष्ट्र नायक, विश्व नायक बनने की योग्यता रखता है। और निस्संदेह रूप से भूतकाल में ही नहीं, भविष्य में भी भारत का वह युवा विश्व का नायक बनने की योग्यता रखता है, बनकर दिखाएगा। आवश्यकता है उसके कर्तव्यों की भी हमें चर्चा करनी है। तो कर्तव्यों की लिस्ट में सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि वह स्वयं को पहचाने, आत्मानम विद्धि, वह स्वयं अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी सामर्थ्य को पहचाने, वह अपनी भूमिका से परिचित हो कि वह ही इस राष्ट्र के उन्नति का कारक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, कठोपनिषद की यह पंक्ति उसको प्रेरित करती है कि वे अपनी योग्यताओं का विकास करते रहे, निरंतर उसके लिए प्रगतिशील रहे। ऋग्वेद में भी कहा गया है यते महि स्वराज्ये, अर्थात राष्ट्र के निर्माण के लिए युवा वर्ग, विशेषतः यह युवा वर्ग के लिए नहीं कहा गया, परंतु मैं यहाँ युवा वर्ग के अर्थ में ले रही हूँ कि युवा वर्ग राष्ट्र के निर्माण में अपने उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहे। अथर्ववेद की भी एक पंक्ति मैं यहाँ उद्धृत करती हूँ, वयम तुभ्यम बलिहृतस्याम, मातृभूमि की रक्षा और सम्मान की को बनाए रखने के लिए युवा वर्ग को सदैव तत्पर रहना चाहिए। यदि समय पड़े तो उसे मातृभूमि के लिए अपने स्वयं के हित का परित्याग कर देना चाहिए। अंततः संस्कृति के विषय में ये कहूंगी, कृण्वन्तु विश्वमार्यम, अंतिम है मेरा, कृण्वन्तु विश्वमार्यम, अपने आचरण के माध्यम से वे अपनी संवेदनाओं को, अपनी संस्कृति को विश्व में प्रसारित करे। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही कहा गया है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। यदि ऐसा यह युवा अपने कर्तव्यों का पालन करता रहेगा तो वह स्वयं ही अपनी सफलता को प्राप्त कर लेगा। अंत में युवा वर्ग से मेरी यही आशा है कि वे अपनी असीमित ऊर्जा को सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक दिशा प्रदान करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक चरयव्यति चलता रहे। धन्यवाद विकास जी, मुझे इस परिचर्चा में सम्मिलित करने के लिए, अवसर देने के लिए। धन्यवाद कामना जी, अपने बहुत अच्छे विचारों को हमारे सामने रखा और आपने बताया कि युवा ही वास्तव में तरंग है, उमंग है और राष्ट्र की उन्नति का घटक है। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। अब आगे चलते हैं। डॉक्टर विकास जी, एक मिनट, एक अनाउंसमेंट थोड़ा सा करना चाह रही थी, सॉरी इंटरप्ट किया। यहाँ कुछ अपने हमारे जैसे डॉक्टर रंजीत बेहरा जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं वेव्स के, उनका शायद पैनलिस्ट की जगह अटेंडी में चले गया है, तो राम जयपाल कॉलेज से मैं निवेदन करती हूँ कृपया उन्हें पैनलिस्ट में ले आए, इससे नहीं तो वो देख नहीं पा रहे हैं प्रोग्राम को। डॉक्टर रंजीत बेहरा जी हैं क्या? डॉक्टर रंजीत, हेलो रंजीत बेहरा, हेलो नरेंद्र जी, हाँ जी, डॉक्टर रंजीत बेहरा जी को आप पैनलिस्ट में ले आइए, वो शायद अटेंडी में चले गए हैं। ठीक है, आ गया पैनल में। जी जी जी, रंजीत बेहरा जी को लेकर आइए। भूदेव शर्मा सर भी हैं, हाँ, उनको भी आप में, उनको भी प्लीज आप पैनलिस्ट में लेके आइए। और कोई मैम? और बाकी तो यही है फिलहाल, तो बाकी तो हमारे सभी अटेंडी हैं, लगभग 200 के करीब लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो और इन बीच में अगर कोई इनकी आपको लगता है कि किसी को भी पैनलिस्ट में लाना हो, अटेंडीज में है, तो आप सर्च कर सकते हैं और उसका नाम, उनका नाम बताएंगे तो हमारी टीम जो है उनको पैनलिस्ट में लेते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर। रंजीत सर, भूदेव सर और अपने जो सम्माननीय सदस्य पर्यवेक्षक के रूप में आज उपस्थित हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। थैंक यू विकास जी, अपराना जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, शशि मैडम नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका। बिल्कुल, मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो मेरा जो है उसमें दूसरे में डालेंगे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मैं पूरा का पूरा मैं सुन रहा हूँ, थैंक यू। जी जी जी, सॉरी, आगे चलते हैं। जिसके होने से रिश्तों में एक अलग है, होती है पास हमें लेकर जाएंगे। डॉक्टर सुप्रिया जी, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि अपना परिवार के संदर्भ में युवाओं की क्या अपेक्षाएं और दायित्व है, उसको आप सभा के समक्ष रखें। डॉक्टर सुप्रिया जी, आप अमेठी विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका हैं और वेव्स के अपने जो तरुण तरंग वेव्स है उसके आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप अपने विचारों को सभा के समक्ष रखें, संक्षिप्त में रखें, समय का अभाव है। धन्यवाद विकास जी, सभी गुरुजनों को नमस्कार और सभी मित्रों को, सभी गुरुजनों को प्रणाम और मित्रों को नमस्कार। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए प्रारंभ करती हूँ। मेरे आज का विषय है परिवार के प्रति युवा वर्ग के दायित्व और कर्तव्य, किंतु आपने जो विषय रखा है वर्तमान में युवा वर्ग की अपेक्षा और दायित्व, आज के परिप्रेक्ष्य में यह मुख्य विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस परिस्थिति में पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया है, उस स्थिति में युवा वर्ग ही है जो परिवार के प्रति अपने कर्तव्य, समाज के प्रति अपने दायित्व और देश के प्रति अपनी निष्ठा का ईमानदारी पूर्वक पालन करते हुए पुनः विश्व को खुशहाल बना सकता है। भारत देश काफी समय से इस बात पर विशेष बल दे रहा है कि भारत एक युवा राष्ट्र है। पुनः पुनः विश्व पटल पर यह बताया जाता है कि भारत की 65% आबादी 35 या 35 से कम आयु वर्ग की है। विशेषतः जब से पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि 2020 तक युवा शक्ति के बल पर भारत विश्व की महान शक्तियों में से एक होगा, हम लोगों ने तो इसी बात पर खुशियां मनानी प्रारंभ कर दी थी। हमने पूरे विश्व को यह तथ्य मानने पर मजबूर कर दिया कि हम सबसे युवा देश हैं। इसी का परिणाम निकला कि कई देश हमारी बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए हमारे साथ आ खड़े हुए। लेकिन क्या किसी ने इस बात पर ध्यान दिया है कि इस अनंत शक्ति को कैसे निरंतरित किया जा सकता है और कैसे इसे सही दिशा देनी है? क्या केवल यह मान लेने से कि हमारे पास शक्ति है, मगर उस शक्ति का सदुपयोग ना करने से क्या हम विश्व गुरु बन पाएंगे? यह पटल के सामने मैं एक प्रश्न रखती हूँ। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा युवा वर्ग किस दिशा में बढ़ रहा है। शिक्षा की बात करें तो आधुनिक शिक्षा में वह बात ही नहीं कि वह युवाओं में नैतिकता, सामाजिकता और भारतीय संस्कृति का संचार कर सके, किंतु जब हम यह कह रहे हैं कि युवाओं के मजबूत कंधों पर भारतीय वैदिक सभ्यता और संस्कारों को रखकर हम भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे, तो ये कैसे संभव है? क्या कभी हमने इस विषय पर विचार किया है? विचार करें तो ज्ञात होगा कि उसका दायित्व पूर्ण रूप से परिवार पर है, क्योंकि एक युवा जब बाल्यावस्था में होता है तो वह कुम्हार की मिट्टी के सदृश होता है। परिवार का कर्तव्य बनता है कि उसे सुंदर आकार देना, क्योंकि परिवार मनुष्य के जीवन का बुनियादी पहलू है। व्यक्ति का निर्माण और विकास परिवार से ही होता है। परिवार मनुष्य को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, परानुभूति, आदर, सम्मान जैसी भावनाएं सिखाता है, धार्मिक क्रियाकलाप सिखाता है। धर्म स्वयं में नैतिक है, अतः बच्चा नैतिकता सीख जाता है। बच्चों में संस्कार परिवार से ही आते हैं। परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो आपसी सहयोग और समन्वय से क्रियान्वित होती है और जिसके समस्त सदस्य आपस में मिलकर अपना जीवन प्रेम, स्नेह एवं भाईचारा पूर्वक निर्वाह करते हैं। संस्कार, मर्यादा, सम्मान, समर्पण, आदर, अनुशासन आदि किसी भी सुखी, प्रसन्न, संपन्न एवं खुशहाल परिवार के गुण होते हैं। कोई भी व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है, उसी से उसकी पहचान होती है और परिवार से ही अच्छे बुरे लक्षण सीखता है। परिवार सभी लोगों को जोड़े रखता है और दुख सुख में सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। कहते हैं कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ के आंचल से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं होता, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता। इसीलिए परिवार के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। एक अच्छा परिवार बच्चे के चरित्र निर्माण से लेकर व्यक्ति की सफलता के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किंतु पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने के कारण आधुनिक युवा पीढ़ी का अपने बुजुर्गों, अभिभावकों के प्रति आदर कम होने लगा है। वृद्धावस्था में अधिकतर बीमार रहने वाले माता पिता अब उन्हें बोझ लगने लगे हैं। वे अपने संस्कारों और मूल्यों से कटकर एकाकी जीवन को ही अपनी असली खुशी व आदर्श मान बैठे हैं। देश में ओल्ड एज होम की बढ़ती संख्या इशारा कर रही है कि भारत में संयुक्त परिवार को बचाने के लिए एक स्वस्थ सामाजिक परिप्रेक्ष्य की नितांत आवश्यकता है। यदि संयुक्त परिवारों को समय रहते नहीं बचाया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी ज्ञान संपन्न होने के बाद भी दिशाहीन होकर विकृतियों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देगी। अनुभव का खजाना कहे जाने वाले बुजुर्गों की असली जगह वृद्धाश्रम नहीं बल्कि घर है। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दरो दीवार नहीं रहती, वो घर नहीं होता जहां बुजुर्ग नहीं होते। आज हम और हमारी युवा पीढ़ी खुद में ही सिमट के रह गया है। हमारी संस्कृति का आधार संयुक्त परिवार अब एकल परिवार में सिमट कर रह गया है। एकल परिवार में ही भी हमें एक दूसरे के पास बैठने का समय नहीं मिलता। आधुनिकता को अपनाते हुए सभी या तो मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं या फिर किसी और कार्य में एक साथ व्यस्त रहते हैं। एक साथ खाना, एक साथ पूजा पाठ करना, एक साथ घूमने जाना आदि कुछ भी तो नहीं दिखता। युवा चाहते हैं कि उन्हें बड़े किसी भी बात के लिए रोके टोके नहीं। संपन्न परिवारों में तो एक दूसरे से मिले, बात किए कई दिन बीत जाते हैं और उन्हें महसूस भी नहीं होता। जबकि हमारी संस्कृति में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। संस्कार व्यक्ति अपने परिवार, समाज, जाति अथवा अपने समूह से विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त करता है और उसके आंतरिक व्यक्तित्व गुण आचार विचार और सहज स्वभाव में परिलक्षित होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार जब शिष्य अपनी शिक्षा समाप्त कर लेता है तो गुरु सबसे पहले उन्हें शिक्षा देते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारा संस्कार अपने परिवार की बात नहीं करता। भारतीय विचारक आदि काल से ही संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हैं। इसका कारण उनका उदार दृष्टिकोण है। हमारे विचारकों की उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में गहरी आस्था रही है। फिर हम या हमारे युवा कैसे इस एक मकान में सीमित रह गए, यह एक सोचनीय विषय है। क्या स्वयं में मैं ही परिवार हूँ? क्या पुरुष और स्त्री का एक साथ रहना ही परिवार है? क्या पुरुष स्त्री से पैदा हुए संतान ही परिवार है? यह विडंबना है कि हम आदर्श परिवार की उपरोक्त अवधारणा को पाश्चात्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में ही जानने का प्रयास करते हैं, जो कि किसी भी तरह से ठीक नहीं। हिंदू जीवन दर्शन में यह स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति को परिवार, जिला, राष्ट्र, समाज एवं संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। यही कारण है कि भारत में 16 संस्कारों के द्वारा व्यक्तिनिष्ठ को समाजनिष्ठ बनाने का दर्शन प्रतिपादित किया गया है। कारण संक्षिप्त जी 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 कारण यह था कि व्यक्ति जी जी बिल्कुल कारण यह था कि व्यक्ति की निष्ठा को जी बताइए विकास जी कुछ कह रहे थे। संक्षिप्त करें अपने विषय। ठीक है, कारण यह है कि व्यक्ति की निष्ठा को परिवार के प्रति केंद्रित तो रखा जाए, लेकिन वह परिवार तक ही सीमित नहीं रहे। 16 संस्कारों के द्वारा संस्कारित युवक युवतियां एक एक कदम आगे बढ़े तथा वे समाज निर्माण के योगदान करें। यही कारण भारतीय जीवन दर्शन की महत्वपूर्ण पीठिका है। यही विचार परिवार को आदर्श परिवार बनाता है। आदर्श परिवार एवं समाज निर्माण के वाहक युवा होते हैं। कहा भी जाता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन। इसलिए हमारी संस्कृति में 16 संस्कारों की बात कही गई है। मनुष्य जन्म से ही निम्न हो सकता है, पर संस्कार के द्वारा वह श्रेष्ठ बनता है। मैं अब कंक्लूजन में जाती हूँ। धन्यवाद सुप्रिया जी। अच्छा अभी पूरा नहीं हुआ अभी। जी जी बस थोड़ा सा एक दो पंक्तियों में आप अपना कंक्लूड करें। जी 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 बस लास्ट में मैं विवेकानंद जी की एक बात कह के संपन्न करती हूँ इस आज के अपनी वक्तव्य को कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार किसी भी राष्ट्र का युवा जागरूक और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो तो वह देश किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। युवाओं की सबको सफलता के लिए समर्पण भाव को बढ़ाना होगा तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें तैयार करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि युवाओं को परिवार का समर्थन प्राप्त हो, क्योंकि नैतिकता, परिवार, समाज आदि सभी के महत्व को एक परिवार ही बता सकता है, क्योंकि परिवार से ही समाज का और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि आदर्श परिवार एवं समाज निर्माण में युवा पीढ़ी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। युवा समाज में राष्ट्र के लिए एक धरोहर के रूप में है, अतः इन्हें समाज निर्माण के लिए स्वस्थ, सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। जिस प्रकार हम किसी फसल के बीज को विभिन्न कठिन परिस्थितियों में भी बहुत बारीकी से रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें युवा पीढ़ी को समाज की कुरीतियों से बचाना होगा तथा उन्हें एक निश्चित दिशा की तरफ मोड़ना होगा, तभी सबल एवं सशक्त भारत का निर्माण होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सुप्रिया जी, आपने बहुत अच्छे से बतलाया कि युवाओं में संस्कार डाले सीढ़ी परिवार है। आपको बहुत धन्यवाद। अभी हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ये विषय यूथ वक्ताओं के पास में है, इन पर एक एक घंटे बोला जा सकता है, लेकिन सभी का समय हमें उपलब्ध हो, इसलिए कम से आज आपकी एक तरह से परीक्षा भी है कि कम से कम शब्दों में और कम समय में आप अधिक बातें कहें। अब मैं टिप्पणी के लिए डॉक्टर रीना शबलोक जी के पास में जाना चाहता हूं कि 2-3 मिनट में आप अपने विषय को रखें। जो अभी वक्ताओं ने बोला उस पर आप कुछ कहना चाहती हैं डॉक्टर रीना शबलोक जी? आप सुनाई दे रहा है आपको डॉक्टर रीना शबलोक जी? जी विकास जी, मैं सुन सकती हूँ। जी 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 मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित। इन दोनों विषयों पर आप जो कहना चाहते हैं। विकास जी आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर रीना शबलोक, आप आवाज आ रही है मैम बहुत अच्छे से आ रही है। विकास जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। देयर इज ए ऑडियो प्रॉब्लम। डॉक्टर मैम आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। रीना मैम प्लीज। ठीक है धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं विकास जी का और मेरी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपको? कट के आ रही है एक्चुअली। मैं यही कह रहा हूँ कि पर आपका परिचय मैं करा देता हूँ। डॉक्टर रीना सबलोक अब श्रद्धानंद महाविद्यालय में प्राध्यापिका और वेब्स की सदस्य हैं। तो आपसे आग्रह है कि अपना विचार जो है टिप्पणी के रूप में जो हुए हैं दो वक्ताओं के आप रखें। डॉक्टर रीना सबलोक जी मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विकास जी, शशि मैम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कॉलेज का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी। जो ये दो विचार अभी रखे गए डॉक्टर विमल और डॉक्टर सुप्रिया जी का, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ क्योंकि धनंजय कुमार जी के विचारों को भी मैं इसी में शामिल करना चाहूँगी कि युवा वर्ग जो कि इस समय आज के संदर्भ में यदि देखा जाए तो युवा वर्ग को जिस मार्गदर्शन की आवश्यकता है, मेरा ख्याल में वेव्स या इस तरह की संस्थाओं के द्वारा किए गए कार्यक्रम युवाओं को एक उचित मार्ग भी दर्शन भी करा सकते हैं और इसके साथ साथ जो भटकी हुई पीढ़ी है उसको सही रास्ता दिखाना। क्योंकि आज के यदि हम आज के संदर्भ में देखें तो आधुनिक शिक्षा में कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कारों और भारतीय मूल्यों की जो कमी आ रही है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी पर भी पड़ रहा है और बहुत उसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी में एक भटकाव है, भारतीय संस्कृति भारतीय चिंतन के प्रति एक रुचिहीनता है, एक उदासीनता है। और सुप्रिया जी के विचार जो कि न केवल युवा पीढ़ी के बल्कि उन्होंने अपने वक्तव्य में वृद्ध पीढ़ी को भी जो शामिल किया और डॉक्टर विमल के भी विचार जिनमें न केवल प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का रेफरेंस था बल्कि साथ ही साथ उन्होंने नवीन जो नई पीढ़ी है उसके लिए जो संदेश दिया है, मैं उन दोनों के ही विचारों से ना केवल सहमत हूँ बल्कि मैं चाहूंगी कि हम इस तरह के विचारों को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। खासतौर पे हम सब चूंकि यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक हैं तो हम अपने अपने कॉलेजेस अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में इन विचारों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना युवा पीढ़ी के साथ शेयर करें, उनके साथ बातचीत करके उनको अपने प्राचीन सांस्कृतिक दर्शन का थोड़ा सा उनको ज्ञान दें, उनको इस चीज़ से अवगत कराएं ताकि ये इसका प्रचार और प्रसार और अधिक हो सके। और विकास जी आपका विशेष धन्यवाद कि इस वेव्स के जो तरुण तरंग के माध्यम से आप ये जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहें और मेरी इच्छा है कि मैं इस तरह के कार्यक्रमों में आगे भी आप मुझे शामिल करते रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे चलते हैं, कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं। किसको खोजत फिरे ब्रह्मांड में, निर्गुण सगुण सब तेरे पिंड में, किसको देखत फिरे इस क्षण में, भेद अभेद सब तेरे कण कण में। तो यह जो अध्यात्म है वह भारत की पहचान है और अब हम इस अध्यात्म की यात्रा की तरफ चलते हैं। जो इस यात्रा को हमें कराएंगी वो हैं डॉक्टर भारती शर्मा जी। भारती जी हेलो, रुड़की विश्वविद्यालय में रुड़की से हैं और SSDPC गर्ल्स कॉलेज में आप इंग्लिश की प्राध्यापिका हैं और वेव्स की लाइव मेंबर हैं। मैम आपका स्वागत है, आप अपने विचार रखें। उसके पश्चात में हमारे जो तरुण तरंग वेव्स के आज अध्यक्ष हैं श्रीमान प्रशांत जी की टिप्पणी हम उसके पश्चात लेंगे। तो अभी डॉक्टर भारती जी के विचार। डॉक्टर भारती जी, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जी मैम आपकी आवाज आ रही है। जी आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू करें। फाइन। At the outset, I would like to pay my salute to the senior patron of the webinar, as at the moment we are having Professor Shashi Tiwari ji and all who provided the opportunity to address such a learned galaxy over here. I would also like to greet and pay sadhuvad to the convener of this webinar, Honorable Dr. Vikas ji and team, for such a wonderful subject that is really the demand of the present scenario, as we are locked down to corona and not spending or wasting so much time in officials. I would like to unlock the topic when we use the term adhyatma. What do we feel or mean while we come across this term? We can have the different realizations that lead to one meaning, that is only Brahma and Brahmanand, or the blissful state, as well versed in Taittiriya Upanishad, Anandam Brahma Iti. Adhyatma can be defined as an outlook, an approach, or a vision when we start sensitizing. The emergence of divinity and the feel is different, totally different from religion. कंकर कंकर में शंकर की दृष्टि है आध्यात्म, स्वयं में अंतर्निहित भाव, सहज भाव, स्वभाव को महसूस करने का जज्बा है आध्यात्म। तू मुझे जमीन से आसमान की गर्दिशों में न ढूंढ, मैं तेरे दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं। This thought has been mentioned in ईश उपनिषद पूर्णम इदम। तुम्हारी दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि अर्थात व्यष्टि से समष्टि का भाव है आध्यात्म। Each stepping stone proceeding with the resolution up to completion, अर्थात संकल्प से सिद्धि की यात्रा है आध्यात्म। As has been well versed, श्रमं विना न किमपि साध्यम। When we start realizing the ever-present bond with Par Brahma, that state is actually आध्यात्म। किसी भी कार्य को पूर्ण मनोयोग से करना है आध्यात्म। आप व्यवहारिकता में देखें तो कर्म और श्रम ही है आध्यात्म। सोए और खोए आत्मबल को जगाने का प्रयास है आध्यात्म। चरित्र निर्माण का भाव है आध्यात्म। समक्ष बुराई का मर्दन कर वीरता को प्रमाणित करना है आध्यात्म। अभाव की देह को भाव की देह की यात्रा के लिए तैयार करना है आध्यात्म। बेहोशी से होश में आने की कवायद है आध्यात्म। Now the question before our youth can arise, why to be आध्यात्मिक? Actually महान कार्यों के मार्ग में आने वाली नेगेटिव एनर्जी पर आपका आध्यात्म भाव और उससे प्राप्त आत्मबल, आत्मविश्वास आपको उस पर विजय दिलाता है। Now let us think about the second part, कौन है युवा? अपना सनातन देश भारत, जहाँ दृष्टिकोण को बहुत ही महत्ता दी जाती है, यहाँ युवा दृष्टिकोण से तो ले जाते हैं। भारतीय संस्कृति की दृष्टि में संघर्षों के सोपानों पर चलते हुए सफलता पाने वाले युवा को, व्यक्ति को युवा कहा जाता है। लाखों वर्ष तक कोयला जलता है तो हीरा बनता है, सोना तपता है तो कुंदन बनता है, प्रकृति के प्रतिरोध सहने वाला बीज वृक्ष बनता है, विपरीत धाराओं का सीना चीरने वाला सागर को पार कर पा जाता है। यही सब उदाहरण युवा सोच, युवा शक्ति और चिंतन के उदाहरण हैं। संघर्षों को जो सौभाग्य मानकर वरण करते हैं वे हैं युवा, जिसके अंदर नया सोचने की, नया करने की, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति को बचाने की और समाज को आगे बढ़ाने की सोच करवटें नहीं लेती, जिसकी रगों में उमंग का, उल्लास का, उत्साह का उबाल नहीं आता, मन में दीन दुखियों, पीड़ितों की तकलीफ देखकर ममता का, करुणा का, दया का भाव नहीं आता, चाहे वह 18, 28 अथवा 38 वर्ष का ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वह सोच से बूढ़ा है तो व्यक्ति, चूंकि वो सोच से बूढ़ा है, और यदि व्यक्ति 70 और 80 का भी है किंतु विचारों में नए हौसले, खतरों से खेलने के साहस, नित्य सीखने की उत्कंठा, राष्ट्र निर्माण, धर्म संस्कृति के उत्थान की अभिलाषा और राष्ट्र धर्म पर अग्रसरित वो व्यक्ति है, वह है युवा। जिसमें अग्नि सा तेज, वायु सा वेग, वह युवा है। जिसकी मांसपेशियां फौलाद सी हैं, जिसके भुजदंड अन्याय, अत्याचार को देखकर फड़क उठते हैं, जिसके मन में करुणा है, दया है, सेवा है, संकल्प है, वह है युवा। और यही समाज युवा से अपेक्षा रखता है, और एक युवा की अपेक्षा अपने आप से भी यही होनी चाहिए। जैसा कि ऑनरेबल डॉक्टर कामना जी ने मेंशन किया, तेजस्वी नाम वय न समीक्षते। अब अगर दायित्व की बात करें तो हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से भी बलशाली है, किंतु 70 करोड़ युवाओं में यदि किसी भी चीज का अभाव है हमारे देश के, तो वह है कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं अपने आध्यात्मिक स्वभाव को, स्वाध्याय को और एक गलत विचार यदि किसी युवा को पाप के अंधकार में धकेल सकता है, तो वही एक विचार यदि आध्यात्म से जोड़ दिया जाए और पूर्व में स्थित हमारे मनीषियों के उच्च स्थान से जोड़ दिया जाए, तो वही युवा स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद इत्यादि बन सकते हैं। युवा शक्ति को विचारवान बनाने के लिए उत्पादक वैज्ञानिक सोच, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए एक ही विचार है और वह विचार है योग, आध्यात्म, दर्शन और धर्म का मार्ग। आज विश्व में भारत देश जनसंख्या की दृष्टि से ही नहीं 70 करोड़ युवा शक्ति से भी बलवान है। नाउ द नेशन हैव एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ यू यूथ to initiate for bringing back our lost status of being the Vishwaguru and establish the indigenous model. Never think that you are alone, because six divine components always remain with you. Kaha bhi gaya hai, satya mata pita gyanam, dharma bhrata kshama putram, shanti patni daya sakha shadete mama bandhava. Aaj desh ka yuva kisi bhi dusre desh ke yuvaon se kam nahi hai, वह भी अपनी काबिलियत दिखाना चाहता है। एंड अवर यूथ हैज कमांडेबल नॉलेज, वेदर इट इज इंडस्ट्रियल, टेक्निकल, कम्युनिकेशनल, डिजिटल, एडवांस टेक्नोलॉजीज, स्पोर्ट्स, मेडिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड व्हाट टू से अबाउट आर्मी। उलट दे जो सपीनों को उसे तो तूफान कहते हैं, उलझता जो तूफानों से उसे नौजवान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स विकास जी। धन्यवाद मैम, आपने बड़े ही सारगर्भित और सही समय में अपने विचारों को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे वेव्स के वाइस प्रेसिडेंट और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, उनकी टिप्पणी लेना चाहता हूं। डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। आप हरियाणा सरस्वती बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन भी हैं, तो भाई साहब आपसे आग्रह है कि कम से कम समय में आप अपने विचार रखें। मेरी अंत में लेंगे, अंत में आपका अध्यक्षीय भाषण भी होना है, अध्यक्षीय वक्तव्य भी है, तो अभी टिप्पणी केवल इन विचारों पर जो अभी हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रणाम। अभी जिन युवा वक्ताओं ने बोला, बहुत ही सारगर्भित और वाकई ही जिसको कहते हैं गागर में सागर वाली बात की है, और बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही नपे तुले शब्दों में बहुत सुंदर अपने शब्दों रखे हैं। और सबने एक कुछ विषयों पे सभी ने ही ध्यान इंगित किया, जैसे कि आज का युवा जो जो उसके पारिवारिक दायित्व थे या सामाजिक उसके दायित्व थे, उनके प्रति कहीं विमुख हो रहा है, और अध्यात्म और आध्यात्मिक उन्नति से भी कहीं दूर भाग रहा है। और उसके लिए आज के युवा को जो अपेक्षाएं हैं समाज की, उनसे उसके विषय में निश्चित रूप से उस दिशा में सोचने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। अभी भारती शर्मा जी कह रही थी कि जिस तरह सोना पककर कुंदन बनता है, वैसे ही युवा भी पककर एक समाज का परिपक्व नागरिक बनता है, जो देश के उत्थान और उन्नति का भाग बनकर समाज को एक दिशा देता है। तो निश्चित रूप से जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसमें वैदिक जो मूल्य हैं हमारे, उनका जो एक भाव आने वाली पीढ़ी पर जो छाप पड़ना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यता से वो एक किसी न किसी रूप में गौण दिखता रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखते हैं, आज का युवा बहुत जुझारू है, पहले से विषयों को ज्यादा तीव्र गति से पकड़ता है। इसी तरह से अगर देखेंगे, टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ, जो भारत के अंदर जिस तरह से तकनीक का आज हम भी यहाँ पर बैठ गए, इसी तकनीक के माध्यम से ही एक दूसरे को सोशलाइज कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उस दिशा में ये मुझे लगता है कि बहुत ही सारगर्भित विषय भी है, और इस विषय पे जिन जिन भी वक्ताओं ने अभी अपने वक्तव्य रखे, बहुत ही सारगर्भित रखें। और अभी आपने कहा कि ये टिप्पणी करनी है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा टिप्पणी करनी उचित नहीं है। जी जी नहीं वैसे बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदर शब्दों में जो आपने टिप्पणी प्रस्तुत विषयों पर रखी। हमारे साथ में अभी डॉक्टर अंजू सेठ भी हैं। आप सत्यवती कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वेव्स की सदस्य हैं। आप कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहें प्रस्तुत विषयों पर डॉक्टर अंजू सेठ जी? आवाज आ रही है डॉक्टर अंजू सेठ जी? हाँ विकास जी, उनका माइक जो है अनम्यूट नहीं है, म्यूट है। अच्छा, तो मुझे लगता है कहीं हमारे जो टेक्निकल टीम है जयपाल कॉलेज में, उनको शायद अनम्यूट करना पड़ेगा। जी हमने कर रहा है। जी जी लेकिन वो बोल नहीं रहे। डॉक्टर अंजू सेठ जी आवाज आ रही है? उनका अभी आप अनम्यूट करें स्क्रीन टच करके। हो गया। ओके डॉक्टर अंजू सेठ जी। हाँ जी नमस्कार। हमारी संस्कृति और धर्म का परिचायक हमारा यूथ है, हमारा युवा वर्ग है, और हमारा युवा वर्ग ही हमारी पहचान है। हमारी जो संस्कृति प्रतिमा संस्कृति विश्ववारा है, वो इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि उसके संवाहक हमारा युवा वर्ग है, और उस युवा वर्ग से हमें अपेक्षाएं भी हैं और उनके दायित्व भी हमें बताने हैं। हमारा युवा वर्ग हमारी धरोहर को आगे ले जाने वाला है, जिस पर ही हमारे भारत का भविष्य बरकरार है। यदि हमने भारत के भविष्य को देखना है, मैं तो अपने युवा वर्ग को हमेशा, अपने जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी युवा वर्ग हैं, उनको भारत का भविष्य कहकर ही संबोधित करती हूँ, क्योंकि वही हमारे भविष्य है, वही हमारे देश को आगे ले जाने वाले हैं, और वो भूत और वर्तमान के बीच में एक संवाहक का कार्य करते हैं कि संस्कृति के तत्वों को हम कहाँ तक ले जाना चाहिए। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए धनंजय जी आपका विशिष्ट धन्यवाद, आपने अवसर दिया। शशि मैम आपको सादर अभिनंदन, भूदेव जी को सादर अभिनंदन, और जयपाल कॉलेज जी के प्रिंसिपल सिद्धार्थ जी को भी सादर नमन। उन्होंने इतना अधिक अवसर हमें प्रदान किया। हमारी संस्कृति में वे मूल्यवान तत्व हैं जिसका संवाहक हमारा युवा वर्ग ही है। उन तथ्यों को हर देश तक, हर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने और अपनी संस्कृति की ध्वजा को, अपनी भारतीयता को बहुत आगे ले जाने में हमारे युवा वर्ग का बहुत महत्व है। हमें उनसे अपेक्षाएं भी हैं, और अपेक्षा ये है कि उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमता है, इतनी आगे चलने की बात है कि उनके अब तक हमें स्पष्ट हो रहा है, चाहे वो कामना जी का वक्तव्य हो या सुप्रिया जी का हो, भारती जी का हो, रीना सबलोक जी ने भी कहा, इतना अधिक अदम्य साहस युवाओं में है और इतने अधिक विचार शक्ति है, विचारधारा है। यदि हम उसको कार्यान्वयन रूप में लाएं तो हम विश्वगुरु तो बन ही गए हैं। एक तरह से वैसे भी हम विश्वगुरु बनने की कगार पर ही हैं। यदि ये कोरोना नहीं आता तो शायद कुछ ही क्षण में हम विश्वगुरु बन जाते, और आज भी हमें वो सपना अपना पूर्ण करना है, और उस स्वप्न को पूर्ण करने में हमारे युवाओं का विशिष्ट योगदान रहेगा। और वेव्स के तरुण तरंग के माध्यम से इतने अधिक विषय को उठाया गया, इसलिए सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन युवाओं से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपके कुछ दायित्व भी हैं हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, जैसे सुप्रिया ने कहा, और हमारे देश के प्रति। तो ये है कि अभी हम सबको, या हमारे देश के जितने भी लोग हैं, सब स्वधर्म और स्वदेश की कल्पना अभी लोगों में नहीं है। सभी लोग बाहर भागने की सोचते हैं। यदि हमारा युवा वर्ग इस बात का संकल्प ले ले कि ब्रेन ड्रेन की समस्या हमें नहीं करनी है, जो मूल्यवान धरोहर हमारे देश ने हमें दी है, हम उसको बाहर के देशों में क्यों ले जाएं, हम उसको अपने देश में ही क्यों ना चालू करें, अपने देश में ही हम उसे लगाएं। और जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट और हर चीजों में हम आगे बढ़े, लोकल को हम ग्लोबल क्यों ना बनाए, उसके लिए मैं सबसे बड़े चाहती हूँ कि इसमें युवाओं का योगदान रहे। हम बाहर के देशों के ग्लोबल चीजें क्यों पहने, हम अपने स्वदेशी ही क्यों ना अपनाएं, स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें। और यदि युवा इस अवेयरनेस को हर जगह फैलाएगा और हर जगह जाने की कोशिश करेगा, तो मैं ये जानती हूँ यज्ञ आचरण की श्रेष्ठा तत्त एक इतरे जना। हम तो फैला ही रहे हैं, हमारे पूर्वज भी फैला रहे हैं। यदि हम और अधिक प्रसारित करें इस तथ्य को, तो शायद हमारा भारत हर चीज का एक ब्रांड नेम बन जाएगा। और हमारे युवाओं में इतनी क्षमता है, चाहे वो मेडिसिन के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, वो यदि इंडिया वापस आकर, यदि वापस नहीं आते तो जो यहाँ के युवा हैं वो ही अपने तथ्य को, अपने तथ्यों को, अपने ज्ञान को यहाँ लाना चाहे तो उससे बहुत अधिक बढ़िया रहेगा। तो स्व को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो। जैसे कामना ने हमें कहा आत्मानम विद्धि, मैं तो कहती हूँ आत्मदीपो भव। अपने लिए प्रदीप खुद बन जाओ और एक दीपक जलाओगे तो हजार दीपक आपके साथ जल पड़ेंगे। हम सभी आपके सहयोग के लिए उठ खड़े होंगे, पूरा देश आपके सहयोग के लिए उठ खड़ा होगा और आपकी संभावनाएं, आपकी अपेक्षाएं पूरी होंगी। और एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अपेक्षा और दायित्व। हम आपका साथ देंगे, सरकार आपका साथ देगी। जैसे सरकार हर तरह के आर्थिक पैकेज दे रही है, सब आपको दिया जा रहा है। आप उठिए, अपने देश का नाम आगे बढ़ाइए और आपदा में भी अवसर ढूंढिए। जो ये आपदा का अवसर निकला है और ये अवसर ही हमने ढूंढा है कि वेव्स तरुण तरंग के माध्यम से हम युवाओं की अपेक्षा को भी जान रहे हैं और उनको दायित्व भी समझा रहे हैं। तो अपने देश को पहचाने, स्वदेश को पहचाने, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी की बात को हम नहीं भूलें, मन में रखें। स्व को, स्वदेश को, आत्मनिर्भरता को और हर चीज को ऐसा कर दें कि और देश हर चीजों के लिए हमारी तरफ देखें। वैसे वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारी तरफ देखते हैं, फिर से देखें और हम अपने भारत को विश्व गुरु बनाएं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानने बोधत। आप सब में अदम्य उत्साह है, अदम्य शक्ति है और इस साहस को आगे पहुंचाइए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। सुमंगलम भवतु। शुभम। निश्चित रूप से मैम आपने जो कहा उसकी ओर भारत जो है, भारत के युवा उसको विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हैं। अभी हम अपने दूसरे भाग जैसे शिक्षा की ओर चलते हैं कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से होती है, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो इस शिक्षा का बोध कराने की, शिक्षा के संदर्भ में युवाओं के क्या दायित्व हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, तो इसका बोध कराने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर अर्पिता चक्रवर्ती जी हैं। आप ICFAI यूनिवर्सिटी हैदराबाद में विजिटिंग फैकल्टी हैं, वेव्स की सदस्य हैं। आपके पश्चात में प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी के पास आऊंगा उनके विचार जानने के लिए। तो अभी डॉक्टर अर्पिता चक्रवर्ती जी के विचार सुनते हैं। डॉक्टर अर्पिता चक्रवर्ती। यस, एम आई ऑडिबल? अर्पिता जी, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर अर्पिता चक्रवर्ती जी, एम आई ऑडिबल? हाँ, आप थोड़ा तेज बोलेंगे तो आवाज आ रही है जी। डॉक्टर अर्पिता जी, am I audible? Yes, ma'am, you are perfectly audible. Please go ahead. Okay. A very good afternoon to you all. Dhanyaham kritakritaham. With these, I wish to express my elation for providing me the opportunity to share my reflection on today's topic. Expectations and responsibilities of the youth in a present time. So before that, I would like to express my profound gratitude to the organizing committee for organizing such a beautiful webinar on a very relevant topic. So as I am a great admirer of Swami Vivekananda, so I wish to start my speech with a very important quotation from Vivekananda. As already Madam has expressed, arise, awake, and stop not till the goal is reached. So this is the clarion call to the nation by the cyclonic monk Swami Vivekananda to arouse each and everyone from the hypnotized state of mind. As we know, each soul is potentially divine. So, but due to ignorance, we are not able to realize that divinity within us, and we are occupied with different types of crime, corruption. We are leading to that kind of things. So, the main thing is that one of the important aspect, I think, to change the society, to change the world, is education. But one thing is that as today's topic is expectations, all the time we try to blame the youths that they are merging towards bad things. But one of the most important thing is that who will work as the pathfinder, because I think home is the chief foundation of human values, as charity begins at home. So the values one should learn, one should inculcate values to the younger generation. That is the foremost important thing. After that, we'll proceed to that. As there is a belief, even Vivekananda says that my faith is in the younger generation. The modern generation, out of them will come my worker. They will work out the whole problem like lions. So as we know, youth is a stage of vigor, enthusiasm and zeal. So we have to, the youth will, if we can merge them towards the right path, we can initiate them to the good path, automatically we'll get the good things. So if their potential is used in a right direction, then automatically we'll get the success. And one of the important thing is, I have taken the concept of education. So here I want to add one thing. Teacher also plays a very important role. So as a teacher, we should come to the learner with the soul of a child, not with the pride and rigidity. Because if learning is imparted with respect, then only it is possible to get respect. And where that teaching and learning is vitiated, result will always be, we'll get a great result from that. So now, as we know, man is the best fruit in the tree of evolution. So the utmost thing is that we should realize our values of truth, beauty, and goodness. And at this, we are at the juncture of social, I think, not social crisis, it is an existential crisis actually. Everywhere we are observing, as we know, we are in a condition, most of the people are living below the poverty line. So I think one of the important aspect is that how we can uplift our country, because people are suffering in a very bad way. So as already Madam has said, we have to realize these things, Maitri, Karuna. Until and unless we'll not realize these divine things, we'll not inculcate, we'll not reflect upon these things, we cannot be called us to be a true human being. Because the word man itself comes from the word mind. Ma'am, please conclude your views. Yes, you have a mind. Yes. So with this, I wish to wind up my lecture. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. प्रोफेसर, आप सुन पा रहे हैं सर? प्रोफेसर दिनेश जी, प्रोफेसर दिनेश जी, ठीक है, प्रोफेसर दिनेश जी आवाज आ रही है आपको? दिनेश जी इसमें पैनलिस्ट में है ही नहीं। अच्छा, शायद अभी दिनेश, हाँ ही दिनेश, डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश, प्लीज अनम्यूट। नहीं, हाँ दिनेश सर है, पैनल में है, हाँ सर है, ये पैनलिस्ट में है, प्रोफेसर दिनेश शास्त्री जी जो है जुड़े हुए हैं। हाँ, और उनका फोन भी आया था अभी, वो जुड़े हुए हैं। या तो मैं, आप विकास जी तब तक दूसरे स्पीकर को बुला लीजिए, मैं सर को एक बार कॉल कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। अभी आगे चलते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्ना, चलने के लिए जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो आज के समय इस कठिन परिस्थिति में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार की, युवाओं के लिए व्यवसाय की। तो मैं जो हमारे युवा साथी हैं तहसीन मंडल जी, उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपने विचार व्यवसाय के संदर्भ में युवाओं की क्या अपेक्षाएं एवं दायित्व हो सकते हैं उस पर आप रखें। तहसीन मंडल जी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के फॉर्मर रिसर्चर हैं। आपका स्वागत है और आप सभी एक थोड़ा ध्यान रहे कि कम से कम समय में हमें अपनी बातों को रखना है ताकि दूसरे वक्ताओं को भी समय उचित मिल सके। तहसीन मंडल जी। थैंक यू विकास जी, थैंक यू विकास जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। रेस्पेक्टेड प्रोफेसर शशि तिवारी मैम, प्रोफेसर भूदेव शर्मा सर, प्रोफेसर केवी सुब्बा रायडू सर, प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री सर, प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह सर, प्रिंसिपल राम जयपाल कॉलेज, अंजू सेठ मैम, रंजीत बेहरा सर, अपन्ना जी, thank you all the teachers and my dear friends. A very good afternoon to all of you. Today I am going to present my opinion on responsibilities and expectations of the youth in present time. अंजू सेठ मैम ने भी पहले कह चुके हैं, मैं दोबारा उस कठोपनिषद के श्लोक को मैं कहना चाहता हूँ कि उत्कृष्ट जागृत ताप को बड़ा नहीं बना, अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठ आचार्य गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। इस कोविड-19 या कोरोना वैश्विक महामारी के समय के चलते बहुत सारे परेशानियां आ रही है युवा वर्ग के सामने, और जो जॉबलेस या जॉब क्राइसिस जो हो रहे हैं ये भी एक बहुत बड़े चैलेंजेस या इश्यूज है युवा वर्ग के सामने। तो इस अंदर में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम इस पूरे लॉकडाउन में हम ज्यादा समय जो है वो घर में ही बिता रहे हैं। तो इस समय अगर हम ऑनलाइन मटेरियल की बात करें, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, कोई भी युवा जो जिस विषय में बहुत पारदर्शी है तो वो उस विषय में जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन मटेरियल, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसके लिए भी वो मटेरियल बना सकते हैं बहुत अच्छे से। तीसरी बात जो है कि वो वीडियो जो है वो बना सकते हैं और वो यूट्यूब में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ये रिसोर्स है ये कभी जो है नष्ट नहीं होगा। हम जब यूट्यूब में या ऑनलाइन हम रिसर्च मटेरियल संस्कृत से रिलेटेड सर्च करते हैं तो बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन ये युवा जो अभी तकनीकी से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ परिचित है, अगर हम ये सब करने लगते हैं तो मेरे ख्याल से ये भविष्य प्रजन्म में यह आगे के लिए बहुत फायदेमंद ये साबित होंगे। दूसरी जो है जो रिसर्च आर्टिकल, ये बहुत अच्छी समय में जो है रिसर्च आर्टिकल या किताब भी हम लिख सकते हैं। साथ साथ जो अनपब्लिश्ड वर्क है, वो भी संस्कृत में जो अनपब्लिश्ड वर्क है उसको भी हम उसमें प्रकाश डाल सकते हैं और उसको फिर समक्ष सबके सामने हम ला सकते हैं। इसके बाद जो हम कह सकते हैं कि युवा के किसी एक टॉपिक की है तो उससे अपेक्षाएं और दायित्व, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि सेवा ही परम धर्म। ये हमारे जो वैदिक ज्ञान है वो हमेशा ये सिखाते हैं सेवा ही परम धर्म। हमने अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस जो 55 साल या 60 साल के ऊपर है उनमें जो है ये बहुत ही घातक साबित हो रहा है कि डेथ इसमें ज्यादा है और युवा में ये कम है। तो हमारे ये दायित्व भी बन रहे हैं कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं या जिस समाज में हम रहते हैं उसमें हम देखें, पारिपार्श्विक लोगों को भी देखें कि जहाँ पे वृद्ध है उनके कोई भी अगर मदद की जरूरत है, क्योंकि बाहरी काम भी करना पड़ेगा दैनंदिन जीवन के लिए, तो हमें उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके अगर कोई भी होता है वो मेडिकल हेल्प हो या किसी भी तरह के हेल्प हो तो हम कर सकते हैं। इससे पहले अर्पिता मैम ने भी ये कहा कि जो लेबर क्लास है, जो बहुत गरीब है, उनके लिए कोरोना जो वैश्विक महामारी है बहुत ही घातक साबित है। तो अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि हम अगर समाज के भी अगर कोई ऐसे भूखा रहते हैं कि हम देखते हैं तो उसके लिए हम गवर्नमेंट या जो भी है जो कोरोना वार्ड के उनको सूचित कर सकते हैं, जिससे उनको भी फायदा मिलेगा। और हमारे क्योंकि वैदिक परंपरा ये कि सेवा ही परम धर्म, इसको भी हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ के जैसे गवर्नमेंट, हम अंजू सेठ मैम ने कहते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, हमारे देश बिल्कुल बनेंगे, और उसके लिए इस समय जो है बहुत कठिन समय से हमारे देश गुजर रहे। तो जो गवर्नमेंटल सेक्टर है या नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर है, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट लोगों ने अगर सोचते हैं कि जो युवा वर्ग है उनको धीरे धीरे जो ऑफिस जाने के लिए मतलब परमिशन दे रहे या वो फुली प्रोटेक्शन के साथ, तो मेरे ख्याल से जो है जो आर्थिक गति जो रुक गई है तो फिर उसको दोबारा फिर चालू किया जा सकता है, क्योंकि युवाओं में ये क्षमता है, ये युवा के लिए कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत धन्यवाद के पाते हैं। तीसरी बात जो है कि सोशल मीडिया, शायद इस समय ऐसे कोई युवा होंगे जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो निर्देश है या हमारे देश जो भारतवर्ष के गवर्नमेंट के जो निर्देश है, अगर सारे युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या यूट्यूब में उसको सेंसिटाइज करते, सोशल जागरूकता फैलाने के लिए उसको रखते हैं सामने, तो मेरे ख्याल से ये हर जन जन हर घर घर तक ये पहुंच जाएगा कि कैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए और उसमें कैसे हम अगर बाहर जाते तो कैसे प्रोटेक्शन लेना चाहिए, फिर घर आते तो ये जो आनुषंगिक जो विषय है उसमें हम बहुत अच्छे से पूरे समाज को जागरूक कर सकते हैं। और इसके बाद जी, और इसके साथ साथ जो प्योर इंटेंशन, जो P4 के लिए बहुत सारे रिनाउंड स्कॉलर ने बात किए थे कि प्योर इंटेंशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रेयर और प्राणायाम, ये सारे चीजें तो हमारे वैदिक ज्ञान भी कहते हैं कि त्यजनो तत्येन भुंजितः, अर्थात कुछ त्याग करके ही भोग करो। अगर हम इस तरह की सोच रखते हैं तो मेरे ख्याल से सोसाइटी में जो भी मतलब पीड़ित लोग हैं या दुखी है उनको हम अगर सहायता करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे साबित होंगे। फिर वैदिक नॉलेज भी कहते हैं कि मित्रता चक्षुषा समीक्षामय, अर्थात हम परस्पर मित्रता दृष्टि से देखें। उसके बाद भी और भी कहा जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड में यत्र वित्तम भवति कनीरम या आयो निजो परोपैति गणना लघुचेतसम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। अगर सारे युवा, अंजू सेठ मैम ने कहते और सारे मैम ने कहते कि हमारे अंदर जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चर है, इंडियन जो कल्चर है, वैदिक कल्चर है, उसका अगर सारे युवा आते हम विश्व में एक दिन आगे बढ़ पाएंगे। उसके साथ साथ युवा वर्ग के लिए जो काम करेंगे कुर्वन्नेव कर्माणि जीजी विशेषतम समा, अर्थात हम कार्य करते हैं 100 वर्ष तक जिए। तो युवा वर्ग के हमेशा सोसाइटी के लिए इस कठिन समय में देश के लिए बहुत अच्छा योगदान देना पड़ेगा। साथ साथ हमें गीता को भी याद करना पड़ेगा निष्काम भाव को कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें सिर्फ कार्य में ही अधिकार है, फल के लिए हमें चिंता नहीं करनी। इसीलिए हम देश की अग्रगति के लिए हमें काम करना चाहिए। और ऋग्वेद के जो एक मंत्र है कि समृज्यते सुकर्म, अर्थात मनुष्य अच्छे कर्म से ही शुद्ध होता है। हमें युवा वर्ग को बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, देश के लिए योगदान देना पड़ेगा। और मैं इस मंत्र के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ कि वयं राष्ट्रे जाग्रयामो पुरोहित, अर्थात हम इस राष्ट्र में जो है हम सब अपने राष्ट्र में आगे स्थित होकर जाते रहे। अगर हम ऐसे कर पाएंगे युवा वर्ग तो मेरे ख्याल से इस कोरोना महामारी से हमारे देश भारतवर्ष जीत पाएंगे और पूरे विश्व को भी हम ये दिखा सकते हैं कि युवा वर्ग अगर आते हैं और ये वैदिक चिंतन और उपनिषदिक चिंतन को अगर लेके चलते हैं कि सेवा भाव और जो भी निष्काम भाव, तो मेरे ख्याल से निश्चित हम जीतेंगे। और हमारे भारतवर्ष जो है युवा वर्ग के साथ लेकर ये युवा वर्ग के द्वारा ये विश्व गुरु बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, धन्यवाद सबको। तहसीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही कम शब्दों में युवा वर्ग को जो आज की कठिन परिस्थिति है उसमें आपने मार्गदर्शन किया कि कैसे हम अर्निंग के साधन जुटा सकते हैं। धन्यवाद आपका। अब मैं जो है विकास जी, हेलो विकास जी, आपका म्यूट हो गया है, आप इसको अनम्यूट करके बोलें। हाँ जी 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 जी, धन्यवाद तहसीन जी। अनेकता में एकता की शान है भारत, दर्शन और अध्यात्म की पहचान है भारत। तो इस भारत यात्रा की तरफ चलते हैं जो हमें कराएंगी डॉक्टर रक्षिता जी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में फॉर्मर रिसर्चर हैं और वेब्स के साथ निरंतर जुड़ी रहती हैं, तो आपसे आग्रह है कि अपने विचार आप सभा के समक्ष रखें। विकास जी जी सर, दिनेश चंद्र शास्त्री सर जुड़ चुके हैं, अगर उनकी टिप्पणी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, फिर उनके बाद रक्षिता जी का जो है जी ले सकते हैं, है ना जी। दिनेश जी, प्रोफेसर दिनेश सर, आप आवाज आ रही है आपको? रक्षिता जी मैं 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले अनाउंस कर दिया था ना। हाँ, दिनेश शास्त्री जुड़ चुके हैं सर जी। प्रोफेसर दिनेश सर, आपको आवाज आ रही है? प्रोफेसर आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्रोफेसर दिनेश सर, अनम्यूट। हां सर ने म्यूट किया हुआ है। नेटवर्क का इशू है वहां पे। मैं विकास जी से बोलूंगा कि प्लीज कंटिन्यू करें, वहाँ पे नेटवर्क का इशू है। दिनेश सर आपका माइक आपका म्यूट है, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अब विकास जी अभी मुझे लगता है सर जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर रक्षिता जी को आप उसमें मदद करें। ठीक है सर, मैं अभी किसी तकनीकी कारणों से डॉक्टर दिनेश सर हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं डॉक्टर रक्षिता जी से आग्रह करता हूँ विचार हमारे साथ में रखें। डॉक्टर रक्षिता जी, मैं जुड़ा हुआ हूँ, आपकी हेलो आपकी तरफ से अनम्यूट हुआ है। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हेलो हाँ अच्छा हाँ मैं बोल रहा हूँ। आपकी आवाज आ रही है, आप करिए सर, मेरी रास्ता बताइए सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, सबको प्रणाम करता हूँ, शशि दीदी को प्रणाम करता हूँ और प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी और अन्य जो पर्यवेक्षक मंडल के सदस्य हैं सभी को प्रणाम करता हूं। मैंने पूरा अब तक का आपका जो ये लाइव कार्यक्रम है उसको पूरा देखा है। आचार्य धनंजय जी ने यू मिश्रणा मिश्रणयो जो पानी, मेरी आ रही है आवाज? जी आज आवाज आ रही है आपकी मैम, आप अपने आप को म्यूट करें मैम। जी सर आप करिए, आप बताइए सर। प्रोफेसर दिनेश जी, प्रोफेसर दिनेश जी आवाज आ रही है आपको? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है अभी हमारे, लगता है उनके पास में अनम्यूट हो गए हैं मुझे लगता है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है उधर, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्शन हो रहा है, डिस्कनेक्ट। जी जी, तो आप उनको अभी म्यूट कर दीजिए। मैं डॉक्टर रक्षिता जी से आग्रह करता हूं और माफी भी चाहता हूं कि उनको बार बार आग्रह किया लेकिन किसी तकनीकी कारणों के कारण जो है ऐसा हो रहा है। तो रक्षिता जी आपसे आग्रह है कि आप अपने विचार रखें। हम प्रोफेसर दिनेश जी से दोबारा जुड़ेंगे, प्रोफेसर दिनेश जी से दोबारा जुड़ेंगे बाद में। आपसे आग्रह है कि आपने विचार रखें। अच्छा विकास जी मेरी आवाज तो आ रही होगी ना? जी जी आपकी आवाज सब। हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले तो मैं भूदेव सर और शशि तिवारी मैम को मेरा सादर प्रणाम, जो मैं अपने वेव्स परिवार के एक आधार स्तंभ के रूप में देखती हूँ। और उसके बाद अंजू मैम, सुब्बू रायडू सर और दिनेश सर और रंजीत बेहरा सर जैसे और भी अनेक विद्वान हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबके लिए मेरा सादर प्रणाम, जिनके सानिध्य में रह करके हमें हमेशा से बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा है। और उसके बाद फिर मैं अपने परिवार वेव्स परिवार के अन्य सदस्यों को भी मेरा प्रणाम है। और आज का जो विषय है कि युवा वर्ग का हमारे देश के लिए क्या दायित्व है, क्या अपेक्षाएं हैं, तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी देश के इतिहास में सबसे बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं जब एक विशाल एक विराट परिवर्तन देखने को मिलता है। और आज का समय भी कुछ वैसा ही है। प्रत्येक मनुष्य पहले से ही बहुत तरह की समस्याओं से घिरा हुआ था। और अब जो एक कोरोना जैसा जो महामारी के रूप में संकट आया है, इसके सामने तो पूरा विश्व और यहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि मानव जाति के ज्ञात इतिहास में ये सबसे बड़े व्यापक संकट के रूप में हम सभी सबका सामना कर रहे हैं। और संकट बहुत व्यापक है, तो ये हमारी सजगता की और हमारी सक्षमता की भी परीक्षा की घड़ी है। और सारी दुनिया एक अति सूक्ष्म शत्रु के सामने बेबस है। अब शत्रु अगर अति सूक्ष्म है तो उसके लड़ाई भी जितना उससे बहुत मुश्किल हो जाता है। और सूक्ष्म चुनौती का सामना सूक्ष्म अस्त्र शस्त्र से ही संभव है, और वह सूक्ष्म अस्त्र शस्त्र है हमारा मन, क्योंकि हमारा मानसिक बल ही हमारे ढाल बन करके हमें जिताने में सक्षम है। क्योंकि हमारे संकल्प विकल्प, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, ये सब हमारे मन की ही उपज है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में नए खुशी के नए अंदाज उत्पन्न कर सकता है और सकारात्मकता के साथ कालजयी सृजन भी कर सकता है। और सृजनात्मकता से मैं कहना चाहूँगी कि सृजनात्मकता की मूल शर्त यह सोचना है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी गंभीर चुनौती को हम किसी भी अवसर में एक अच्छे सार्थक अवसर की ओर हम बदल सकते हैं। और हमारा यह वेव्स परिवार एक ऊर्जा के एक बड़े केंद्र की तरह है, जो सकारात्मकता से परिपूर्ण है और जिसमें समाज को बेहतर बनाने वाले, गहन ऊर्जा वाले और उच्च महत्वाकांक्षाओं भरे युवाओं का संगम है। और युवा होना क्या है, इसको मैं परिभाषित करते हुए कह सकती हूँ कि युवा होने का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यौवन शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक अवस्था है। कोई भी व्यक्ति जिसमें निडरता हो, चारित्रिक दृढ़ता हो, या फिर जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन देने को तैयार हो, वह युवा है। और हमारी अब यह हमारा प्रयास भी यही बन जाता है कि हम इसी युवा वर्ग की क्षमता का सदुपयोग करते हुए हम उसे सकारात्मक कार्यों में भागीदार बनाएं। गंगा जब ऋषिकेश पहुंचती है तो उसमें धीरे धीरे यौवन आता है। इस गंगा में उत्साह है, यहाँ की गंगा में स्थिरता नहीं है। गंगा गतिशील है, तीव्र है, उसमें दिशाहीनता भी नहीं है और उसको पता है कि उसे कहाँ जाना है। यही हमारे दौर के युवाओं का सही चित्र है। युवाओं, जैसे मैंने धनंजय सर ने भी कहा था कि सबसे ज्यादा अपेक्षाएं युवाओं से ही की जाती हैं, तो युवा लोग ही अपने नए मूल्यों, नई सोच का प्रतिनिधित्व करते हुए, एक मैं बात कहना चाहूंगी कि अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने में वही सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अभी कोरोना के समय में हमने देखा कि हमारी संस्कृति का जो एक प्रतीक रूप में मैं कह सकती हूँ कि हाथ जोड़कर नमस्कार करना, इससे हमारे देश के लोगों ने ही नहीं बल्कि विश्व में ये लोगों को ये दिखा दिया है कि अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, अगर हमें अपने आप को नकारात्मकता से बचाना है, तो हमें हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। इसी तरह के बहुत से महान विचारों से हमारी जो संस्कृति है वह धनी है, और इसीलिए हमारा यह प्रत्येक युवा का यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह अपने इसी प्रकार की संस्कृति को, संस्कृति के इन महान विचारों को समझ करके उसको जीवित रखना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। एक बात तो ये, और दूसरा मैं इस बात के लिए बोलूंगी कि कोरोना के आने से लोगों की जो मानसिकता बदली है वह कुछ सकारात्मकता की तरफ हमारी गई है। जैसे गरीबों और मजदूरों की वास्तविक जिंदगी से रूबरू होने के पश्चात अनेक धनवान लोग हैं जिनकी मानसिकता में परिवर्तन आया है, और यह जो परिवर्तन है ये समय का वह चक्र होता है जो किसी ना किसी विपत्ति के बाद आता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी विपत्ति में पड़ जाता है तो उस विपत्ति से निकलने के बाद उसे एक नई सीख मिलती है, और अगर वह इसी नई सीख से सबक ले और उसको एक सही दिशा में लेकर के जाए तो वह उस संकट में वापस दोबारा से फंसने की उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। और यही बात हमारी अब कोरोना के समय में भी देखने को मिल रही है कि हर वर्ग के लोगों ने, जो जरूरतमंद हैं, जिनको भोजन की आवश्यकता है, या फिर अगर कभी किसी गंतव्य स्थान तक किसी को पहुंचाना है, तो बहुत से लोग आ गया है और अपने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मन को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वह किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से उसको उपकार करके रक्षिता जी कंक्लूड करें, थोड़ा सेवा करें। हाँ, और तीसरी बात मैं एक ये बोलना चाहूंगी कि जो कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान जब लोग कैद हो गए तो उस समय जो प्रकृति ने अपना जो एक अनोखा वातावरण तैयार किया है, यानी धरती से लेकर आसमान तक जहां तक भी हमारी नजर पहुंचती है, एक सुखद एहसास हुआ है। तो स्वच्छ हवा के साथ ही गंगा यमुना का जो निर्मल जल हमने देखा है, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हम उससे स्वच्छता को बनाए रखें। और इसी में थोड़े से एक दो उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगी कि पंजाब के पटियाला शहर के एक मेयर हैं, उन्होंने इस वातावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अपने घर से ऑफिस तक साइकिल से जाने का निर्णय लिया। और दूसरा उदाहरण कि बिहार के जो बिलासपुर के लोग हैं, उन्होंने हमें उनसे लेने की आवश्यकता है, जो शादी के कार्ड अब बनवाते हैं उसके अंदर वो पौधों के बीज भी रखवाते हैं और उसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी छपवाते हैं। और वहीं एक और जयपुर के एक जोड़े ने गेंदे के फूलों से शादी का कार्ड बनवाया ताकि, और शादी का कार्ड जब उपयोग में समाप्त हो जाए, उसको उपयोग हो जाए, उसके बाद उसको हम बगीचे में पौधे भी, उससे गेंदे के फूल उगा सकते हैं। उस गेंदे के फूल उगाने की उसमें विधि भी लिखी गई है कि रात में हम उसको भिगो दें और सुबह में उसको बगीचे में अगर हम उसको दवा दें या कर दें तो उससे हमें गेंदे के फूल उग जाते हैं। तो इसीलिए कुछ इस तरह की जो सार्थक पहल है वो हम भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक नई सीख है, और बाकी हमारे मानसिक स्तर पर कोई असर ना पड़े इसलिए इस तरह के वेबिनार्स इत्यादि में भी हमें भागीदारी करते रहना चाहिए। और कोरोना के बाद में वो अपने प्रकृति संरक्षण को रखें। और एक अंजू मैम की मैं बात को थोड़ा सा बोल सकूँ कि ये बहुत अच्छी है कि जो लोग अभी तक बाहर विदेशों में वहाँ पर नौकरी के लिए जाते थे तो वहाँ उस देश के विकास करने के बजाय अपने देश के विकास में भागीदार बने, तो ये बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद विकास जी, मेरी बात तो समाप्त हो गई है। तो बस मेरा यही है कि हम इन 2-3 चीजों पर जिन पर मैंने ध्यान दिलवाया, तो हम सभी अगर अपना दायित्व समझ करके निर्वाह करें उस सार्थक पहल में। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षिता जी, आपने बड़े ही कारगर शब्दों में कि देश का युवा किस प्रकार देश के प्रति अपनी भागीदारी कर सकता है, आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में उसे हमें हमारे सामने बतलाया। अब मैं डॉक्टर आशा लता पांडे मैम की टिप्पणी लेना चाहूँगा। विकास जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, और आप जो हमारी आईटी टीम जो है अभी इसमें चैट बॉक्स में और लिंक शेयर करने जा रही है, तो आई वुड लाइक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज गिव योर फीडबैक, जस्ट क्लिक द लिंक एंड गिव योर फीडबैक एंड यू कैन सबमिट दैट फीडबैक, आफ्टर दैट यू कैन डाउनलोड द ई-सर्टिफिकेट, इट विल गो टू योर ईमेल, सो यू कैन जस्ट चेक योर ईमेल, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो भी आप उसमें ईमेल आईडी भरेंगे। और दूसरी बात ये कि इसमें मैं सभी पैनलिस्ट से चाहूँगा कि अपनी फोटो को वीडियो को करें, तो एक ग्रिड में हम फोटो ले लें, तो ये जो है पब्लिकेशन में फ्यूचर में काम आएगा। जो सबने ऑफ किया है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पैनलिस्ट प्लीज। थैंक यू अभिषेक सर। जैसा कि अभी अभिषेक सर ने बताया कि आपके चैट बॉक्स में एक लिंक आएगा जिसको आप फीडबैक फॉर्म भर करके आप ई सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि उस फीडबैक फॉर्म को जरूर करें। आईटी टीम, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आईटी टीम से कि प्लीज जो है आप उसको शेयर कीजिए चैट बॉक्स में कि हमारे पार्टिसिपेंट्स उसमें अपना फीडबैक दें और उसके अपना सर्टिफिकेट वहां से वो डाउनलोड कर सकें। जी सर, 2 मिनट में कर दे रहे हैं। ओके, थैंक यू। और इसमें आप सभी लोग इसका अपने स्नैपशॉट ले सकते हैं अपने लिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अभी 203 दिख रहे हैं, तो आपके लिए भी फ्यूचर में काम देगा। और पैनलिस्ट अदर पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। जी हाँ, यस यस शशि मैम, दिनेश शास्त्री बोल रहा हूँ सर। 1 मिनट में प्रोफेसर दिनेश सर, 1 मिनट में आपका हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्लीज सर, प्लीज होल्ड। जी हाँ, बोलूं? हाँ जी, बोल रहा हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, बहुत अच्छे से आ रही है। आवाज आ रही है आपको? जी, बहुत अच्छे से आ रही है सर। अभी मैं सबको प्रणाम करने के पश्चात अपनी बात रखूंगा। युवा शब्द, अभी हमारे मित्रों ने युवा शक्ति के ऊपर बहुत कुछ बोला है। युवा, यू का मतलब होता है यू मिश्रणा मिश्रणयो, जो असंभव को संभव कर दे, और जो संभव है उसको असंभव, जो असंभव है उसको संभव करने की ताकत रखता है, उसको युवा बोलते हैं। और दूसरा वा शब्द है, इसमें जो वा पद पड़ा हुआ है, वा गति गंधनयो, जिसमें गति भी है और गंधन भी है, जिसमें गति और संहार, ये दोनों शक्तियां जिसके अंदर होती हैं उसको युवा बोलते हैं। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का जब प्रारंभ किया तो अमैथुनी सृष्टि से प्रारंभ किया वैदिक दृष्टिकोण से अनुसार। There is an internet issue, तो इस बीच में विकास जी अगर इंटरप्शन होता है तो यू कैन कैरी ऑन, अपने इसके कार्यक्रम के बारे में बताते रहिए। और आप सभी लोग देख सकते हैं फीडबैक का जो है लिंक डाल दिया गया है चैट बॉक्स में, आप लोग भी उसको क्लिक करके उसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। और ये फीडबैक जब तक ये सेशन चलेगा तब तक ही एक्टिव रहेगा, आफ्टर दैट दिस लिंक विल बी नॉट एक्टिव। It will take hardly 20 seconds to 30 seconds to fill the feedback form. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और उनके मैसेज भी हमें संदेश भी प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसे अभी डॉक्टर मोना जी हैं, और डॉक्टर अभी प्रिया कौशिक जी हैं लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय से, और डॉक्टर अजय कुमार मिश्र जी हैं, ये आप महाराजगंज उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे शोधार्थी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। मेरा वक्तव्य पूरा नहीं होने दिया, मेरा वक्तव्य पूरा नहीं होने दिया। आपकी आवाज सर थोड़ा, जी जी आप बताइए सर, आपकी आवाज आपको आ रही है सर? कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है। आप मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आपकी आवाज कट कट करके आ रही है। नहीं मेरी आवाज नहीं, मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ और यहाँ से आवाज बिल्कुल आपकी मुझे रही है। जी जी सर तो तीन चीजें होती हैं। हेलो हेलो जी जी आप बताइए। तीन चीजें होती हैं, संक्षिप्त में बताइए सर। तीन चीजें हैं, डेडिकेशन, अभी तो संक्षेप किया, न लॉन्ग हुआ न संक्षेप हुआ, बीच में। सर आपका तकनीकी समस्या के कारण आवाज नहीं आ पा रही है। सर आप सुन पा रहे हैं? आदरणीय दिनेश सर सुन पा रहे हैं आप? शायद फिर से युवा शक्ति है, उसमें शरीर बल होना चाहिए, उसमें मानसिक बल होना चाहिए और उसमें आर्थिक बल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। चार चीजें पंचतंत्रकार ने बताई हैं। यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। जवानी, धन संपत्ति, सुवर्णिति और विवेक शून्यता, ये चार चीजें जो हैं, चार बात। शायद फिर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ में। अभिषेक जी क्या आई थिंक यू शुड गो टू नेक्स्ट स्पीकर। आवाज ये प्रॉब्लम कहीं और से हो रही है, मेरे यहाँ से नहीं है। कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति चे अक्षीण है वित्तता क्षीण है वृत्तस्तु हतो हता। एक शब्द वृत्त है, एक शब्द वित्त है। वित्त तो आता है और जाता है, ये तो हाथ का मेल है, परंतु जो वृत्त है, जिसको चरित्र बोलते हैं, यदि वह चला गया तो हमारा सब कुछ चला गया, ऐसा वेद व्यास ने महाभारत के अंदर कहा है। तो इसलिए युवा शक्ति संसार का भविष्य है, संसार को लेकर के चलने वाले। संसार भी जो है संघारक शक्तियां बढ़ जाती हैं। ये आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। युवा शक्ति में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। प्राप्य वरान निबोधतः, जैसा कि उपनिषद का वाक्य है, उठो जागो और आगे बढ़ो, यही समय की मांग है। ये समस्याएं तो आएंगी और जाती रहेंगी। युवा शक्ति में सहृदयता होनी चाहिए, सामंजस्यता होनी चाहिए, अविद्वेषता होनी चाहिए। ये तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मुझे उसमें रखा गंग तरंग के अंदर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मैडम शशि का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विचार बहुत ही सारगर्भित हैं और सुनने योग्य हैं। निश्चित रूप से जब कभी मौका मिलेगा तो तरुण तरंग अपना कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपके विचार सुनेंगे। अभी कार्यक्रम की आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े। किसी तकनीकी समस्या के कारण हम पूरा नहीं सुन पा रहे थे। फीडबैक फॉर्म के बारे में बात से बता दीजिए कि एटलीस्ट सभी लोग इसको फिर से अपना जिसने नहीं किया है फीडबैक फॉर्म को, उसको प्लीज फिल करें और सर्टिफिकेट आपको इमीडिएटली आपके ईमेल अकाउंट में मिल जाएगा। जी अभी तक ऑलमोस्ट 60 लोगों ने फीडबैक फॉर्म भरा है और उनको सर्टिफिकेट भी जनरेट हुआ। अच्छा, मैं अभिषेक जी एक सवाल मेरा है कि हमारा जो समय है लगभग 1:30 बजे तक है, तो उसके दौरान सो डोंट बॉदर अबाउट टाइम, इफ यू विल एक्सटेंड 10-15 मिनट्स देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड देयर आर मेनी एक्सीलेंट स्पीकर, दे आर स्पीकिंग वेरी नाइस, दे आर गिविंग देयर व्यू वेरी नाइसली, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डोंट स्टॉप देम, लेट देम गिव देम 3-4 मोर मिनट्स, सो लेट्स listen their views also, so it's not. Thank you sir, thank you so much, thank you sir. अब मैं अपने इस युवा परिसंवाद को आगे की ओर अग्रसर होते हैं कि कुछ पंक्तियों में आपके सामने अगला विषय रखना चाहता हूँ। यहाँ लोग अपनी अपनी गलतियाँ छुपाते नजर आते हैं, कि यहाँ लोग अपनी अपनी गलतियाँ छुपाते नजर आते हैं, एक दूसरे को बस आईना दिखाते हैं। यह केवल राजनीति के अंतर्गत होता है। इस राजनीति विषय को जो हमारे सामने रख रहे हैं, कहें कि युवाओं की अपेक्षाओं के साथ में, वो मिस्टर सुरजीत जी हैं। आप शिवनाडर गुरुग्राम स्कूल में संस्कृत के अध्यापक हैं और हमारे तरुण तरंग वेव्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपसे आग्रह है कि सुरजीत जी अपना विचार सभा के समक्ष रखें, कम से कम शब्दों में कोशिश करें कि जी। अपना जी जी जी, क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जी आपकी आवाज आ रही है सुरजीत जी। ओके सभी सज्जनों को, विद्वानों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुरजीत कुमार डोगरा और आज जो मुझे विषय दिया गया है रखने के लिए वह है कि राजनीति को लेकर हमारे युवाओं की क्या अपेक्षाएं हैं और क्या उनके दायित्व बनते हैं। तो मैं अपने विचार शुरू करता हूं। तो आजकल हम सब लोग अर्थक्वेक का आभास और अनुभव तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको शायद जानकर अचंभा हो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा यूथक्वेक को साल 2017 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करना महज एक इत्तेफाक नहीं था। इस शब्द का अर्थ युवाओं की भागीदारी से व्यापक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की तरह लिया जा सकता है और 2020 के अंत तक भारत की 65% आबादी 35 साल से कम की होगी और हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र बन जाएंगे। ऐसे में एक अहम सवाल ये है कि क्या सदियों बाद बने इस संयोग को हम यूं ही बिखरने देंगे या हिंदुस्तान यूथ क्वेक का असली असर देख पाएगा। अब देखिए, विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की आधी से अधिक आबादी युवा है, तब ये लाजमी है कि उनका प्रतिनिधित्व भी उनमें से ही कोई करे। अब इसे महज एक विडंबना ही कह सकते हैं कि आजाद भारत में जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन के बाद से राजनीति में युवाओं की भागीदारी अस्त की ओर मुखर होती गई है। वजह अनेक है, मगर अहम यह है कि समय के साथ बदलते सामाजिक ढांचे में राजनीति ने अपनी एक ऐसी छवि बनाई जिससे युवाओं ने दूरी बनाना ही बेहतर समझा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले युवाओं की संख्या कुछ मुट्ठी भर युवाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका विस्तार तेजी से हो रहा है। IIT, IIM और देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छे संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर रहे ऐसे कई युवा हैं जो राजनीति में विशेष और प्रकार के प्रयत्न करते दिखाई दे रहे हैं और प्रवेश के लिए इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। भारत युवाओं की राजनीति में दिलचस्पी के जिस अध्याय पर खड़ा है उसकी शुरुआत 2007 से मानी जा सकती है, जब IIM अहमदाबाद के चेपुरी कृष्णा ने किसी राजनीतिक पार्टी के साथ इंटर्नशिप करने का विकल्प चुना था। लेकिन दुर्भाग्य की बात फिर से यही है कि आज हमारा समाज राजनीति को एक अछूत की नजर से देखता है। आज अपने घर पर बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी बनाने की बात करते हैं। कोई भी अभिभावक या परिवार अपने बच्चे को ये नहीं कहता कि मेहनत से पढ़ो, कड़ी मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें राजनीति करनी है। समाज को ये धारणा बदलनी होगी। भारत आज युवा शक्ति के मामले में दुनिया का सबसे समृद्ध देश है। ये स्थिति भारत के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण दिशा दे सकती है और ये सपना तभी पूरा होगा जब देश, समाज, राजनीतिक दल युवाओं को प्राथमिकता देंगे, युवाओं को मौका देंगे और युवा ही विकास का एजेंडा तय करने के लिए अपने आप को देश और राजनीति को समर्पित करेगा। अब बात अगर युवाओं की है तो मैंने इस मुद्दे को और अधिक गहराई और आज के समय के आधार पर समझने के लिए काफी युवाओं से बात की और उनकी अपेक्षाएं राजनीति को लेकर और उनके जो दायित्व हैं उनको सूचीबद्ध किया। समय की कमी के कारण मैं उन्हें केवल मुख्य बिंदुओं के रूप में ही आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। सबसे पहले है रोजगार के अवसर। एक युवा पढ़ता है, लिखता है, कॉलेज पूरा करता है, स्कूल पूरा करता है, अपनी ट्रेनिंग करता है, जिस भी तरह की शिक्षा प्राप्त करता है, सिर्फ एक ही उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि उसे उसके मन मुताबिक रोजगार का अवसर मिले। ये एक युवा की सबसे बड़ी अपेक्षा है हमारे पूरे राजनीतिक ढांचे से। दूसरा, जब भी एक युवा राजनीति की तरफ देखता है तो उसका एक पर्याय शब्द उसके सामने आता है, भ्रष्टाचार। तो आज का युवा भ्रष्टाचार से मुक्त राजनीति देखना चाहता है। तीसरा, भाई भतीजावाद से मुक्त राजनीति को आज का युवा बड़ी ही उस नजर से देखता है कि हाँ, ये खत्म होना चाहिए ताकि अन्य लोगों को भी जगह मिल पाए। निष्पक्ष, जवाबदेह और पारदर्शी सरकार चाहता है। आज की जो आधारभूत जरूरतें हैं युवा की, ऑडियो बात कर रहे हैं बस। नहीं, प्लीज भूदेव शर्मा को म्यूट कीजिए। क्या मैं आगे बोल सकता हूँ? हाँ, आज की जो आधारभूत जरूरतें हैं एक युवा की, जैसे इंटरनेट है, शिक्षा है, महिला सुरक्षा है, ये इन बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सबसे बड़ा बिंदु मुझे लगता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर युवा अपनी बात रखना चाहता है, निर्भीक होकर बात रखना चाहता है, क्योंकि एक लोकतंत्र में जीता है, तो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोल रहे हैं। अगर तो 2 मिनट मिल जाए तो हम चाहेंगे बोलना। जरूर सर, जरूर। आज के इस माहौल में युवा उद्यमियों के लिए, स्टार्टअप के लिए आसान ऋण मिले, सांप्रदायिक राजनीति का अंत हो। और एक और बात युवाओं से बात करते हुए उभर कर आई कि नेताओं का भी मजबूत डोमेन नॉलेज होना चाहिए। जिस मंत्रालय को, जिस पक्ष की वो राजनीति करते हैं, उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत होनी चाहिए। मान लीजिए रक्षा मंत्रालय को देखने वाले जो नेता हैं, उनका रक्षा मंत्रालय की पृष्ठभूमि, उनका ज्ञान बहुत मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, राय है, प्रतिक्रिया है, उसके लिए सरकार का ग्रहणशील होना बहुत जरूरी है, सकारात्मक रवैया बहुत होना जरूरी है। और इसी अपेक्षाओं की सूची में अंत में आता है कि सरकार को आलोचना के लिए खुला होना चाहिए। युवा जब भी कोई बात रखता है, कहना चाहता है, उस आलोचना को सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। ये युवाओं की अपेक्षाएं हैं। अब मैं जल्दी से कंक्लूड करें प्लीज, है ना? जी, मैं जल्दी से बिंदुवार तरीके से युवा वर्ग के दायित्वों पर आता हूं। सबसे पहला दायित्व है मतदान, उससे बड़ा दायित्व और कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, तर्क संगत विचारों के साथ मशाल धारक बनना, यानी कि तर्क के साथ पूरी राजनीति को देखना। लोकतांत्रिक चर्चा का विशेष स्थान होना हमारे जीवन में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हर जगह पर। और आजकल समाज और समानता के जो बदलते हुए मानदंड हैं, उनको राजनीतिक चर्चा के क्षेत्र में लाना युवाओं का सबसे बड़ा दायित्व होगा। जैसे LGBT का एक विधेयक पास हुआ, एक नियम बना, उसको सरकार तक लाना और समाज में उस सकारात्मक रूप से उसे प्रस्तुत करना युवाओं का बहुत बड़ा दायित्व है। अब यदि समस्या भ्रष्टाचार से है तो भ्रष्टाचार को युवा भी बढ़ावा न दें, जाति, समुदाय, धर्म से ऊपर उठें, सरकार से सवाल करें, लेकिन अंधभक्त न बने, जो आजकल एक प्रथा चल पड़ी है। और केवल सरकार को दोष देने के बजाय, राजनीति को कोसने के बजाय, अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान खोजने की जरूरत आजकल के युवाओं को है। देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर देश का एक सशक्त संसाधन बने, पलायन या फिर ब्रेन ड्रेन की समस्या को दूर करें। केवल नकारात्मकता पर ही ध्यान न दें, सरकार के सकारात्मक कार्यों को भी बढ़ावा दें। सबसे बड़ा दायित्व तो मुझे लगता है सोशल मीडिया का सदुपयोग। आज का युवा वर्ग अपना अधिकतम समय सोशल मीडिया पर व्यतीत करता है। बजाय व्यक्तिगत रूप से मिलने और अपने विचार बांटने के। अगर सोशल मीडिया का सही उपयोग किया जाए युवा वर्ग द्वारा तो वो राजनीति के प्रति या देश के प्रति उनका बहुत बड़ा दायित्व होगा। अंत में मैं कहना चाहूंगा, अंतिम वाक्य में कहना चाहूंगा कि जो बेकार है वही राजनीति में जाएगा, यानी कि अपराधीकरण की जो धारणा है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। आज के युवा को डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, इन सब व्यवसायों के साथ साथ राजनीति को भी एक व्यवसाय के रूप में चुनने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद सुरजीत जी, धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत ही कम शब्दों में और अच्छी बातें हमारे सामने रखी हैं, तो निश्चित रूप से युवा उसको ध्यान में लेंगे। अब हम टिप्पणी के लिए डॉक्टर आशा लता पांडे मैम के पास चलते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानाचार्य राम जयपाल जी हमारे साथ हैं? जी जी, हमारे सर जो है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर जुड़ चुके हैं। और मैं डॉक्टर आशा लता पांडे जी के पश्चात में मैं माननीय आशा लता पांडे एब्सेंट है, नहीं है वो, नहीं तो मैं डॉक्टर अभी आदरणीय प्रधानाचार्य राम जयपाल जी से निवेदन करता हूं कि आप हमें मार्गदर्शन करें। सर आपसे आग्रह है कि अपने विचार रखें। जी जी नमस्कार सिद्धार्थ जी। सर्वप्रथम मैं अपने मैडम, अपने गुरु प्रोफेसर शशि मैडम को प्रणाम करता हूँ, चरण छू कर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। अपनी गुरु वंदन के बाद मैं गायत्री मंत्र का पाठ करूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें ज्योतिर्मय बनाए और हमें दिव्य सूर्य जो है, सत्ता जो है, हमें दिव्य मार्ग प्रशस्त करें। सबसे बड़ी चीज है कि ये वेब्स का यह जो है, यह कार्यक्रम जो है अपने आप में बहुत ही महनीय कार्यक्रम है। वर्तमान में युवा वर्ग की अपेक्षाएं और दायित्व इतना रिलेवेंट टॉपिक है। पहले साथ साथ में और सब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को मैं प्रणाम करूंगा। एक साथ भूदेव शर्मा जी साहब को, धनंजय कुमार साहब को, रंजीत भाई को, तुषार मुखर्जी साहब को और हमारे दुबे सर, अल्पना भीर मैडम को और सुप्रिया, संजू, जितने सुधीगण हैं, श्रोतागण हैं, सबको मैं नमस्कार और अभिनंदन करता हूं। और इस अभिनंदन के साथ साथ मैं कहूंगा कि वर्तमान समय में युवाओं की अपेक्षाएं जो हैं और उनके दायित्व जो है, दायित्व युवा वर्ग का हर वक्त अधिक रहा है। और कोई भी समाज जो है, हमारे 4 ऋतुएं हैं। ऋतु में बसंत ऋतु युवा ऋतु मानी जाती है और इस ऋतु में सर्वाधिक कार्य होते हैं, सर्वाधिक प्रिय और आकर्षक ऋतुएं हैं। उसी तरह जीवन के 4 ऋतुओं में युवा जो अवस्था है वह बसंत का द्योतक होता है और एक विकास का द्योतक होता है, एक आकर्षण होता है, एक चुंबकत्व होता है। वह जिधर चलता है तो बसंत के चपल चरण वाली स्थिति जो है युवाओं की होती है। जब ऐसी स्थिति जब आती है तब जब युवा जो है अपने ओज से, अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जब भरे रहते हैं, इससे समाज की अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं और उनका दायित्व भी बढ़ता है। समाज की अपेक्षाएं 2 तरह से बढ़ती हैं। एक तो ऊपर से परंपरा से चली आने वाली परंपराओं को उनको अपने कंधे पर रखना है और दूसरा भविष्य के आने वाले रास्ते को, मार्ग को भी प्रशस्त करना है। यह अपेक्षाएं जो है समाज को रहती है। दायित्व है इसका निर्वहन करना, आने वाले संस्कार को अपने कंधों पर रखना और आने वाले समाज को पुनः जो है एक मार्ग प्रशस्त करना। और इस समय में हमारी युवा जो है वो भटक जा रहे हैं। खान पान का चाहे संस्कार हो या षोडश संस्कार हो या शिक्षा का संस्कार हो, वो पश्चिमीकरण का अंदाज अनुकरण कर रहे हैं। और इस कोविड ने, इस महामारी ने बता दिया कि जो पिज्जा खाने वाले हैं, जो बर्गर खाने वाले हैं, नूडल्स चाइनीज खाने वाले हैं, उनका खाना श्रेष्ठ नहीं है, उनका खान पान श्रेष्ठ नहीं है। हमारे अपने जो खान पान है, हमारे जो भैंसज हैं, हमारी जो वनस्पतियां हैं, ये इम्यून बढ़ाते हैं, इसका दुनिया अनुकरण करती है। यह ऋषियों का देश है और कृषि जो है इसका मूल आधार है। कृषि का आधार खेती ही नहीं, क्री धातु से बना हुआ शब्द है। क्री माने करना, और कोई भी कार्य आप करते हैं, अध्ययन करते हो, अध्यापन करते हो, यही तो तप है। तप का मतलब रोड पर खड़ा होकर 13 घंटा 14 घंटा जो है, लोग कहता है कि भागीरथी ने अथक प्रयास प्रयत्न करके और तप करके गंगा को उतार दिया। मैं कहता हूं कि एक भागीरथी क्या हजार लोग खड़े होकर एक पांव पर खड़े रहें, गंगा क्या, गंगा की बूंद भी वहां पर नहीं आएगी। तप की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है, वह ऋषि और कृषि से जोड़िए उसको। तप का मतलब है स्वाध्याय कीजिए, 100 कर्तव्य कीजिए, और यह कर्तव्य कौन कर सकता है तो हमारा युवा वर्ग कर सकता है। युवाओं का दायित्व अधिक है, लेकिन उनको संरक्षण भी जो है अनुभवों से प्राप्त होना चाहिए, और यह अनुभव वृद्धजनों के पास है। और हमारी परंपरा में जो बाणप्रस्थ जो अवस्था है वह ऋषियों की अवस्था मानी जाती है। हमारे जितने भी उपनिषद आरण्यक हैं, इन्हीं वानप्रस्थ वालों ने, संन्यास आश्रम वालों ने दिया है, और उसका आशय ही दायित्व, उसी का दायित्व जो है हमारा युवा वर्ग लेकर एक नई संस्कृति, एक नई राह पर चलता है। युवाओं को तो आगे आना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ हम वृद्धजनों को अपने अनुभव से उन्हें और युवा बनाना है। जो वृद्ध जो व्यक्ति हैं, जो वानप्रस्थ में जो चले गए हैं, उनका अनुभव युवा है, वो भी युवा है, वे शारीरिक रूप से वृद्ध है, अनुभव से वृद्ध नहीं है। अनुभव से वह जो है शारीरिक रूप से जो जवान व्यक्ति है उससे अधिक जवान है अनुभवों से। उन वृद्धों के जवान अनुभव से और युवाओं की ऊर्जा से, दोनों का सम्मिश्रण करने से हम आज भी विश्व गुरु बनने के मार्ग पर प्रशस्त हैं, और आज बनेंगे भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह कार्यक्रम जो है हमारी गुरु के द्वारा संपादित किया गया, और उसमें राम जयपाल कॉलेज को पार्टनर बनाया गया, सहयोगी बनाया गया। मैं तो पुनः यही कहूंगा कि हम लोग लोहा हैं, हमारे जो न्यास वाले लोग, जो वेव वाले लोग हैं, ये पारस हैं। जिससे सटते हैं, जिस लोहे से सटते हैं उसे स्वर्ण बना देते हैं, सोना बना देते हैं, और हम लोगों को भी सोना बनाने का काम इस वेब्स ने किया है। और मैं तो अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, जो 1991 से मैं वेब्स से जुड़ा हुआ हूँ, और इनके कार्यक्रमों को मैं देखते आया हूँ। बीच में हमारी कुछ अपनी अध्ययन अध्यापन की बिहारी प्रणाली रही कि मैं थोड़ा सा कटा रहा, लेकिन जैसे ही पुनः मैं मैडम के शरण में आया, हम उन्होंने पुनः मुझे स्वर्णिम बनाया। मैं पुनः उनको प्रणाम करता हूँ। और ये वेब्स और अपने दुबे सर को, जो एक बहुत कुशल संचालक विद्वान आदमी है केमिस्ट्री में, और वेब्स से जुड़े सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूँ और साथ में धन्यवाद भी करता हूँ। जी नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा कि संपूर्ण विश्व जो है आज भारत की ओर देख रहा है, और निश्चित रूप से सर राम जयपाल कॉलेज भी आपकी सक्रियता, आपके नेतृत्व में सक्रियता के लिए जाना जाता है कि किस प्रकार हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि हर दिन कोई ना कोई सेमिनार हमें राम जयपाल कॉलेज का देखने को मिल जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बहुत सुंदर शब्दों से हमें प्रेरित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर तुषार मुखर्जी की तरफ में जाता हूं कि सर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप वेव्स के लाइफ मेंबर हैं। टिप्पणी के रूप में सर समय का अभाव है, कम शब्दों में सर आप कुछ हमें मार्गदर्शन करें। हेलो, उसके पश्चात मैं डॉक्टर प्रोफेसर भूदेव सर के पास आऊंगा। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए सर। जी जी जी, सबसे पहले डॉक्टर शशि मैडम को, डॉक्टर प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी को बहुत बहुत नमस्कार। सभी मान्यवरों और विद्वानों को प्रणाम। सभी युवा वक्ताओं को भी मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मैं बेसिकली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक ऑफिसर हूं एक्चुअली, और मूलतः इंजीनियर हूं। स्वागत है। और इसलिए लेकिन मेरा कुछ 10 सालों से संस्कृत और वैदिक नॉलेज के ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए भी फिलहाल नौकरी से रिजाइन करके कुछ सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ और वैदिक उसमें अध्ययन कर रहा हूँ। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, स्वागत। मेरा बैकग्राउंड है, और मेरे साथ बीआरसी के काफ़ी लोग जुड़े हैं। हमारी संस्था है और हम लोग वेद, उपनिषद और बाकी वैदिक, जैसे सांख्य है, इसको थोड़ा हम फिजिक्स, मतलब जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है और हमारे जो भौतिक शास्त्र के सिद्धांत हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं कि कहाँ हमारे जो मनीषी, जो थिंकर्स थे, वो किस लेवल तक पहुँच गए थे। तो ये तो था ये। अच्छा, आज के प्रोग्राम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा को सिर्फ नौकरी तथा अपने परिवार के भरण पोषण तक सीमित नहीं रखना चाहिए। क्योंकि युवाओं के पास काफ़ी समय है और काफ़ी ऊर्जा है और आप सबसे विद्वान भी हैं। आपको वरन समाज को जागृत करने का भी कार्य करना चाहिए। जहाँ मौका मिले छोटे मोटे समूहों को थोड़ा ज्ञानवर्धन करें, जितना वैदिक ज्ञान या वैदिक वांग्मय के ऊपर जितना भी नॉलेज आपने गेन किया है पढ़ाई अपने अध्ययन के दौरान, आप लोग सब PhD होल्डर्स हैं, तो उस समय हो सके तो छोटे छोटे कुछ NGO में, समाज सेवा में जाएं और वहाँ पे भी अपना ज्ञान बांटें, क्योंकि ये जो आपके पास वैदिक ज्ञान है ये बहुत कम लोगों के पास है। और मैं चाहूँगा कि जैसे मैं जुड़ा हूँ, आप संस्कृत के विद्वान लोग अपने कार्यक्रमों में संस्कृत के विद्वानों के अलावा बाकी इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, साइंटिस्ट वगैरह को भी ऐड करें। इससे क्या होगा कि ये जो वैदिक नॉलेज है वो पूरा प्रसार होगा, क्योंकि कोई समाज को उन्नत होने के लिए भी भारत को विश्वगुरु की बात कही जा रही थी, तो भारत कोई भी समाज विश्वगुरु तब बनेगा जब उसमें ज्ञान होगा और चरित्र होगा। अगर ज्ञान और चरित्र की वो पराकाष्ठा नहीं होगी तो बहुत मुश्किल है। और जो ज्ञान और चरित्र का वर्णन हमको वैदिक वांग्मय में मिलता है वो किधर भी नहीं है। आप उपनिषद देखें, पूरा उपनिषद तर्क वितर्क और उसमें जुड़ा हुआ है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद होता है, गार्गी संतुष्ट नहीं होती है, याज्ञवल्क्य नाराज हो रहे हैं, लेकिन गार्गी चुप हो जाती है, लेकिन जैसे मौका मिलता है पुनः अपने संदेह को प्रकट करती है। जब तक वो संतुष्ट नहीं होती है वो याज्ञवल्क्य की बात को नहीं स्वीकार करती। तो हमारा तो तर्क आधारित जीवन रहा है, समाज रहा है, तो ये थोड़ा युवा वर्ग ये करे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी जो आज की समस्या के बारे में जो हमारा वेबिनार चल रहा है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अभी का जो आने वाला समय है उसमें लोगों के जॉब्स में थोड़ा कमी आने वाला है। हमारे संसाधन, हमारा जो GDP है वो कम होने वाला है, संसाधन कम होने वाला है। उस क्षेत्र में हमारे जो वैदिक ज्ञान है वो काम में आने वाले हैं। जैसे तेन तत्तेन भुंजिता, उपनिषदों में बताया गया है कि उतना ही कंज्यूम करो जो आपको जरूरत है, क्योंकि ये आपका नहीं है तो ईश्वर का है। तो अगर हम कम कंज्यूम करेंगे तो समाज के बाकी वर्गों के लिए भी ये मिलेगा। दूसरा है, हमको अभी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा, क्योंकि बहुत टफ टाइम आ रहा है। तो उस समय हमारे जो कर्म का, जो अभी दुर्भाग्य से हमारे देश में कर्म और क्वालिटी दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा पुअर है, चलता है, टेक्नोलॉजी चल रही है यहाँ पे अभी भी। तो हमको कर्म और कर्मनिष्ठ होने की, उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है। उसमें तो मैं जो गायत्री मंत्र है उसको सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानता हूँ। गायत्री मंत्र में ये बताया जा रहा है कि हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो वो ईश्वर हमको सन्मार्ग में प्रेरित करता है। कभी भी ईश्वर हमारा काम खुद नहीं कर देता, ईश्वर कोई मैजिस्ट्रेट नहीं है, है ना। तो ये बात, हाँ, जस्ट एक मिनट। तो ये हमको समाज में ले जाना है कि हमको कर्मशील बनना है, सिर्फ भगवान भरोसे नहीं रहना है कि भगवान तो सिर्फ दृष्टा है, हमको कर्मशील बनना है। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है, हमारे अंदर एक बेनोवेलेंट, एक भाई, अपने भाइयों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। उसके लिए मेरे को महाभारत का एक श्लोक याद आता है, न त्वहम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम। अगर ये भावना हमारे सबके अंदर आ जाएगी तो कुछ भी हमारी जो समस्या है उसको हम आगे निकल जाएंगे। और सबसे अंत में हमारे अंदर अगर हम ये प्रचार कर सकें, जो वेद में भी है, बाद में ईशावास उपनिषद में भी है, कि हम वास्तव में उसी ब्रह्म के ही अंश से बने हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सपितम मुखम योषावादित्यादित्य पुरुष सोषावम ओम खम ब्रह्म, ये यजुर्वेद में कहा गया है। इसका प्रचार अगर हम करें, हमारे समाज में ये संदेश चला जाए कि अरे भाई, ये शरीर तो एक कैरियर है, हम तो कुछ और हैं, हम बहुत उन्नत हैं, हमारे अंदर विवेक ऑलरेडी है, हमको सिर्फ जानने की जरूरत है, वो ज्ञान होने की जरूरत है। ऐसा अगर आप लोग संस्कृत के विद्वान हैं, आप अगर इसको प्रचार कर सके तो हमारे समाज में ज्ञान और चरित्र दोनों का उत्थान होगा। और ये जो अभी करंट समस्या है, युवा वर्ग इसमें निकल जाएगा और हमारा देश भी इससे निकल जाएगा। सारा संसार इसमें लगा हुआ है। बहुत सारे सर युवा जुड़े हुए हैं, आज आपको सुन रहे हैं। बहुत सारे युवा आपके निश्चित विचारों से प्रेरित भी हो रहे हैं। जो आपने बताया वाकई में बहुत सुंदर है। सर माफ कीजिएगा, थोड़ा समय का अभाव है, बीच में आपको रोक रहा हूं। विद्वानों को पुनः नमस्कार के साथ नमस्कार। जी। मैं आगे, अभी प्रोफेसर भूदेव जी हमारे साथ में हैं। आप वेव्स के फाउंडर, प्रेसिडेंट हैं और संरक्षण कहें कि वेव्स का आपके अंतर्गत ही है। यह तरुण तरंग वेव्स भी आपकी एक शाखा के रूप में है। तो आपसे आग्रह है सर, आप अपने विचार कम समय में रखें सर। प्रोफेसर भूदेव जी, आप मैथ्स के प्रोफेसर हैं, अनेक देशों में आपने मीटिंग को लेफ्ट कर दिया है। आई थिंक ही इज नॉट इन द मीटिंग। अच्छा, भूदेव जी नहीं है। हाँ, तो यू कैन कैरी ऑन, नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट कीजिए। जी जी, मैं अब युवाओं की समाज के संदर्भ में क्या अपेक्षाएं और दायित्व हो सकते हैं, तो इसके लिए मैं श्री सुब्रमण्यम जी के पास में जाता हूं कि हमारे क्या अपेक्षाएं समाज को लेकर हैं और क्या दायित्व हमारे हो सकते हैं। तो सुब्रमण्यम चिदम्बरम जी, आपसे आग्रह है कि अपने विचार रखें। आप वेब्स के सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, तो आपसे निवेदन है कि समय का अभाव है, कम से कम समय में आप अपना विचार रखें। नमस्कार, आर यू एबल टू हियर मी? आर यू एबल टू हियर मी? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। ओके, तो नमस्कार सभाये, मैं सभा से अनुमति चाहूंगा कि मुझे अंग्रेजी में बात करने की अनुमति दे, ताकि मैं अपने मनोगत को व्यक्त रूप से अच्छी तरह से रख सकूं। स्वागत है सर, स्वागत है, आप शुरू करें सर। So the topic today is responsibilities and expectations of the youth. Now, with respect to society, Bharatiya Samaj, according to me, is very synonymous with Sanatana Dharma or Vaidika Dharma. And today, we are at a point where there is so much of propaganda, so many questions are being raised on the Sanatana Dharma, the basics of Sanatana Dharma, on the different customs, traditions, rituals, etc. Now these questions, these propaganda will only get aggravated in the years to come, and naturally the youth of today will have to face these questions in the future. So I think that the youth of today must become strong in their awareness of the Sanatana Dharma, so that they can take it to the next generation. This is very critical for the survival of Bharatiya Samaj and for the survival of the Bharatiya Dharma. Now, how do you carry this Sanatana Dharma to the next generation? There are two things that we have to do. So, I am talking about the responsibilities first. The first thing is we should know Sanatana Dharma. Jnana Prapti, that has to happen first. The second is practice whatever we have known. Shrotavyo, mantavyo, nididhyasitavyaha. Now, how do you know? How do you get jnana prapti? From the shastras. That is why the Lord says, "Yas shastra vidimutsrajya vartate kama karataha na sa siddhim avapnoti na sukham na param gatu. Tasmat shastram pramanam te karya karya vyavasthitau jnatva shastra vidhanoktam karma kartu miharhasi." The youth of today must definitely make the attempt to understand our shastras. One of the key tools to understand our shastra is the language of Sanskrit. The youth of today should become educated in Sanskrit. They should learn the language of Sanskrit. They should make an attempt to know our shastras and understand what the shastras are telling us. The attitude that anything that is old is bad and anything that is modern and new is good is a wrong attitude. We should always evaluate everything rationally and logically. So let's look at the shastras, what they have to tell, and are they relevant for today's society or not. After that, you take the decision whether you want to practice them or take them ahead. So this, I think, is the primary responsibility of the youth of today. Now, for fulfilling this responsibility, what are the expectations, or what is our expectation from the society? There are four expectations. The first expectation is, do not create a competitive environment in the society, an unhealthy competitive environment. Social pressure should not be there for the youth. The youth should be allowed to blossom as per their innate capabilities. Second, provide opportunities for the youth to exhibit their skills. They will learn from mistakes. They might commit mistakes. They will learn from their mistakes, but don't be against providing opportunities to them. The third, give them a conducive atmosphere for growth. They should be able to grow in their career. Don't stop their growth career or don't stop their progress. And fourth, the senior generation, they have the advantage of anubhava. They must not misguide or mislead the youth. They must show them the right path through their experience. Show the youth the right path. That is why we say Agnenaya Supatharaaye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan. That is why we pray to the fire to show us the right path. So I think if these 4 points of expectations are satisfied by the society and the youth is bent upon and responsible to take the Sanatana Dharma to the next generation, I think our Dharma will be safe, in safe hands. So this is, so these are my viewpoints for this webinar. Thank you. धन्यवाद सुब्रमण्यम जी, बहुत ही कम समय में बहुत, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि आपने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा। अब मैं अपने डॉक्टर विजय शंकर द्विवेदी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं कुछ कमेंट के लिए, एक दो मिनट में। आप तो हमारे वेव्स के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर विजय शंकर द्विवेदी जी। विजय जी, आवाज आ रही है आपको? वो जुड़े हुए हैं, शायद लाइन पर नहीं आ पा रहे हैं। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है शायद। अनम्यूट करेंगे, आवाज आ रही है सर? सर अपने को अनम्यूट कीजिए डॉक्टर विजय शंकर सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर विजय शंकर द्विवेदी जी, नरेंद्र जी जुड़ रहे हैं क्या? हेलो, हमारे राम जयपाल कॉलेज। हाँ, जरा देखिए इनको अनम्यूट किया गया है या डिसेबल किया गया? डॉक्टर विजय शंकर द्विवेदी जी, इनको अनम्यूट किया जाए। ये यहाँ से तो कुछ नहीं है, वहीं से बंद किए हुए हैं वो, वीडियो ऑडियो दोनों। आई थिंक हाँ सर, ये अनम्यूट किया, अभी हो गया है। रम्या जल्दी आओ बेटा, मेरा फट से करो इसे बेटा, ये कैसे है? विजय जी, आवाज आ रही है आपको? बेटा करो ना, कहा विजय जी। बीच में आवाज आ रही है? विकास जी, मैं कहूंगा कि काफी क्वेश्चंस और आंसर जो है इसमें क्वेश्चन बॉक्स में है, तो आप इसमें से कुछ जो रिलेवेंट अच्छे क्वेश्चन हैं उसको प्लीज लीजिए, तो इसमें हमारे जो भी श्रोतागण हैं उनको अच्छा लगेगा कि उसका उत्तर दिया जाए, हमारे जो भी प्रेजेंटर हैं। और उसके अलावा मैं शशि मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी 2 शब्द बोलेंगी, हम चाहेंगे कि उनका जो है काफ़ी अच्छा लगता है जब बोलती है। बहुत सर। अभिषेक जी, मैं अभी शशि मैम को बुलाने वाला हूँ, उससे पहले एक बार अध्यक्षीय अपना वक्तव्य हो। हाँ, आप अपना सीक्वेंस में करिए। जस्ट आई वांट टू रिमाइंड दैट। जी जी, मैं अभी प्रश्नों को हम लेंगे, अगर समय जैसा भी रहता है उसके अनुसार में कुछ प्रश्नों को लीजिए उसमें से कुछ प्रश्न। हाँ, मैं उससे पहले मैं अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान प्रशांत जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपना विचार हमारे समक्ष रखें। श्रीमान प्रशांत जी, आवाज आ रही है भाई साहब आपको? प्रशांत जी लाइन पर नहीं है। मैं अभी हाँ जी भाई साहब, आवाज आ रही है? हाँ जी, बताएं। आपसे आग्रह है कि हाँ, अध्यक्ष के रूप में आप अपने विचार हमारे सामने रखें, युवाओं के सामने। अच्छा जी 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 भाई साहब। आज जो वेव्स के तरुण तरंग द्वारा यो बहुत ही अच्छा विषय चुना गया है, इसके लिए मैं वाकई ही आयोजकों को बधाई देता हूं। और जो भी पैनलिस्ट थे या हमारे वक्ता थे या टिप्पणीकार थे, उन्होंने भी बहुत ही सारगर्भित टिप्पणियां की हैं इसके ऊपर, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पहलू इसका छूटा हो। जिसको उन्होंने छुआ ना हो, चाहे वो वर्तमान में चल रही स्वास्थ्य की चिंता हो, प्रकृति की चिंता हो या रोजगार की चिंता हो या युवाओं के जो एक उसके विकास और उसके अंदर जो एक स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो एक पीरियड आता है, एक जिसको हम एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं, उसको भी बड़े बखूबी से यहाँ पर सभी वक्ताओं ने रखा। अपने परिवार की परंपराएं, समाज की परंपराएं, संस्कृति की परंपराएं और युवाओं के रोल भी अलग अलग तरह के, युवाओं के लीडरशिप रोल, बहुत सारे वक्ताओं ने उसकी तरफ इंगित किया। कुछ वक्ताओं ने यह भी कहा कि जो लीडरशिप है रोल में, वो लीडरशिप रोल राजनीति को ही मानते हैं, लेकिन राजनीति के लिए भी लीडरशिप जो क्वालिटीज हैं वो कैसे पैदा होंगी युवाओं के अंदर, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, उसकी तरफ भी आज सोचने की आवश्यकता है। निसंदेह इन सभी विषयों पर बड़ी सारगर्भित चर्चा हुई है और सारे विषय बड़े अच्छे तरीके से सभी वक्ताओं ने रखे। कुछ विषय जो मैं यहाँ जिनकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि हमारे जो समाज में है, दो तीन विषय हैं जो वर्तमान में भी, जिसमें युवाओं को लगता है कि ये विषय ऐसे हैं कि भी हमें इनके ऊपर और विचार करने की आवश्यकता है, अपने जो उनके रोल्स हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको लेकर। कि हमारे यहाँ अगर हम अपनी हिंदू परंपरा की बात करें या भारतीय परंपरा की बात करें, तो हमारे यहाँ तो सदैव ये परंपरा रही है जो कमाएगा वो खिलाएगा, यानी अगर परिवार का एक सदस्य कमाएगा तो पूरे परिवार को वो खिलाएगा। लेकिन आज यह परंपरा एकदम उलट हो गई, पूरा परिवार कमाएगा, माता पिता को कौन खिलाएगा इस बात पर लड़ाई चल रही है। यानी हम अपने जो पारिवारिक दायित्व है उससे कहीं विमुख हो रहे हैं, भाग रहे हैं। और हमें जीवन में कोई भी दायित्व मिले, कहीं पर भी मिले, हमें उसके बखूबी उसको प्रूव करने में लगना चाहिए, और ये हमारे देश की परंपरा रही है। चाहे कोई भी रहे हो, चाहे दयानंद सरस्वती जी थे वो भी युवा थे, विवेकानंद जी थे वो भी युवा थे, उन्होंने अपने युवा काल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए। हमारे ऋषि अरविंद जी थे, उन्होंने भी अपने युवा काल में बहुत क्रांतिकारी कार्य किए। उसके अलावा गुरु गोलवलकर जी थे, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अल्पायु में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं हुए इस देश में जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। आज हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और वर्तमान से भी सीखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान बोलते हैं भविष्य की कुंजी है। अगर आपने वर्तमान को संवार लिया तो आपका भविष्य संवर जाता है। अगर आपने वर्तमान में जिन अपनी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी तरफ नहीं ध्यान दिया और उनको आपने कहीं छूट दे दी, तो वह आगे जाके बहुत ही कठिन स्थिति में आ जाता है। मैं देखता हूं कि आज भले ही जब हम साधनों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ भारत में जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या, जैसे भी किसी ने बताया कि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है और उनकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, तो संभवतया क्योंकि साधन सीमित है, अवसर भी सीमित है, तो ऐसी परिस्थितियां कई बार उत्पन्न हो जाती है कि या तो युवा अपने दायित्व से भाग जाता है या वह फिर हीन भावना का शिकार हो जाता है और उससे ग्रसित होकर कई बार बड़े विचित्र फैसले भी ले लेता है, यहाँ तक कि वो आत्महत्या भी कर लेता है। तो ऐसे भी गलत फैसले वो कर लेता है या फिर वो नशाखोरी की तरफ चला जाता है, उसकी ऐसे व्यसनों से उसके जीवन में आ जाते हैं। तो ये सारी बातें आज समाज के पक्ष में जो यहाँ पर रखी गई है, ये बहुत ही सुंदर रखी गई और भविष्य की चिंता हम सबको करनी चाहिए। हाँ, शिक्षा, शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में आज का युवा बहुत अग्रणी है। पहले के मुकाबला में शिक्षा क्षेत्र में युवाओं ने बहुत काम किया है और जिसको बोलते चैलेंजिंग कार्य किया है। लेकिन आज का युवा जो, जिसको हम बोलते थे शोध वाला, रिसर्च ओरिएंटेड ना होके वो मैनेजमेंट की तरफ उसका ज्यादा ध्यान चला गया। ठीक है, मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन शोध का अपना महत्व है। मैं सरकार में काफी साल से ये देख रहा हूं कि जो सरकार की पॉलिसी बन रही है या नीतियां बन रही हैं, वो भी कुछ ऐसी बन रही हैं कि वो शोध को प्रमोट ही नहीं करते। उनको लगता है कि आप, मैं देखता हूँ कई सरकारों के अंदर जो विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, सबसे उपेक्षित डिपार्टमेंट माना जाता है उसको। अगर नए शोध नहीं होंगे, नए इनोवेशन नहीं होंगी, नई स्किल्स नहीं होंगी, तो संभवतः ये भी एक चिंता का विषय है। तो युवा वर्ग के लिए ये भी एक सीख है कि अगर हम कुछ शोध कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम एकदम डूब कर वो कार्य करें और एक नई इनोवेशन के साथ हम दुनिया में कोई ऐसी इनोवेशन लेकर आए जिससे हम भारत का नाम दुनिया में ऊंचा कर सके, अपने समाज का नाम दुनिया में ऊंचा कर सके और लोगों के जीवन को आसान कर सके। उनकी जो वरीज हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनको हम दूर कर सके। किसी ने अभी कहा कि मनुष्य समस्याओं से घिरा है। मनुष्य समस्याओं से नहीं घिरा है, मनुष्य ने समस्याएं खुद पैदा की हैं और युवा वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन समस्याओं का समाधान खोजना, उन समस्याओं का हल देना। ये युवाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो बुजुर्ग समाज है, जिनके पास बहुत सारे समाधान हैं, उनसे कोई आज पूछता ही नहीं और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे से हम इस ज्ञान को अगली पीढ़ी को कैसे पहुंचाएं, उनसे वो ज्ञान कैसे लें लोग। तो ये भी एक उनका दायित्व है। भाई सब कंक्लूड करें। हाँ, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूँ। तो आज अगर हम एक और चीज मैंने देखी है, टेक्नोलॉजी के जहाँ फायदे भी हैं वहाँ कुछ चीजें ऐसी भी हैं टेक्नोलॉजी की। हम सोशलाइज तो हो रहे हैं, लेकिन किससे सोशलाइज हो रहे हैं? हम आउटसाइड वर्ल्ड से सोशलाइज हो रहे हैं, लेकिन अपने परिवार से हमें बात करने की फुर्सत नहीं है। सारे दिन भर हम फेसबुक और चैट कर रहे हैं, सोशल जो एप्स हैं उन पे चैट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार से हम बातें नहीं कर रहे। अपने निजी लोगों से, अपने संबंधियों से, उनसे हम दूर भाग रहे हैं। तो उस तरफ भी आज ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक वर्चुअल लाइफ जीने की जो एक अभी जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, भले ही ये वर्चुअल युग है, लेकिन आप सदैव वर्चुअल लाइफ नहीं जी सकते, वो भी एक पक्ष है। अंत में कुल मिलाकर जो इसका निष्कर्ष है वह यह है कि जो गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत रखो, तो युवाओं को भी अपना कर्म करते रहना चाहिए, अपने फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फल तो स्वयं आएगा उसका। और दूसरी बात, जो हमारी रामायण की सीख है सत्यम, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप लोगों ने यह बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए मैं सभी आयोजकों को बधाई देता हूं। और यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ विद्वत जन बैठे हैं उनको मैं एक बार पुनः अपना हार्दिक प्रणाम करता हूं। और विकास जी आपकी टीम ने बहुत ही अच्छा, और द्विवेदी जी आपकी टीम ने निसंदेह बहुत ही अच्छा कार्य किया है आज। और यह ज्ञानवर्धक के साथ साथ यह एक्शन ओरिएंटेड है कि जीवन में अगर हम इसको उतारें, जैसे युधिष्ठिर का एक उदाहरण है कि पाठ वाला सभी ने पढ़ा कि उनको पाठ याद नहीं हो रहा था, और सातवें दिन आठवें दिन जब गुरु जी को क्रोध आता है तो उन्होंने कहा कि अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा क्रोध तो आता है, लेकिन मुझे सदा सच में बोल सकूंगा। तो असली पाठ हमको पढ़ना है, और जो आज हमने यहाँ सीखा है उसको हम जीवन में कैसे उतारें, ये भी हम यहाँ से एक सीख लेकर जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने बहुत अच्छे शब्दों में सभी वक्ताओं की टिप्पणियों को सार्थक करते हुए आपने अपना विषय रखा। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं, अधिकतर तो सुझाव आए हैं, बधाई आई है, शुभकामनाएं हैं कार्यक्रम के सफल होने के लिए। दो प्रश्न हैं जिनको मैंने लिया है। पहला है, हालांकि है फिर भी। दूसरा प्रश्न है कि उनका है सुप्रिया जी से है, क्या कोविड-19 से निपटने के लिए हमारा युवा जो है सक्षम है? तो इस संदर्भ में आप कुछ बताना चाहेंगे सुप्रिया जी? जी विकास जी धन्यवाद। कोविड-19 से निपटने में हमारा युवा क्या सक्षम तो है, लेकिन जैसा मेरा विषय था परिवार को लेके, तो यदि हमें हमारा परिवार हमारे साथ हो, एक कहते हैं ना कि इस कोविड में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हम उसको दूर ना कर सके, लेकिन ये शारीरिक से ज़्यादा मानसिक बीमारी कह सकते हैं हम। किसी को हो जाता है, अब हम अभी योगा टिप्स ही देखते हैं या कुछ और भी देखते हैं आयुर्वेद के जरिए, या घर में अपने किचन में जितनी दवाइयाँ होती, जितने हमारे पास मसाले हैं, जितनी दवाइयाँ हैं, उनसे हम कोविड को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये जो है एक मेंटल कि हाँ हम हमें कोविड हो गया या हमें कोरोना हो गया, इस ये जो इसको दूर हम परिवार के सपोर्ट से ही कर सकते हैं। फैमिली का जब तक सपोर्ट नहीं रहता है किसी भी युवा में या किसी भी इंसान के में, तो हम वो उसको दूर नहीं कर सकते। आजकल देखते हैं कि हम संयुक्त परिवार में ना रह के अकेले रहते हैं, तो अकेले किसी बीमारी को झेलना और परिवार के साथ किसी बीमारी को झेलना में बहुत अंतर होता है। जब बात रहता है तो हम वैसे ही बीमारियों से दूर हो जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया, धन्यवाद सुप्रिया जी। अब मैं हमारे वेव्स की प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित डॉक्टर शशि तिवारी मैम के पास जाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आप आशीर्वाद के रूप में हमें कुछ आशीर्वचन के रूप में हमारे सामने अपने विचार रखें आदरणीय शशि मैम। धन्यवाद विकास। आवाज ठीक है? बहुत अच्छा आ रहा मैम, बहुत अच्छा आ रहा। वैसे तो मेरे यहाँ बोलने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ना ही कोई कार्यक्रम में है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि हम युवा लोगों को सुनेंगे और बहुत जरूरी हुआ तो जो अपने अनुभवी बड़े लोग हैं उनसे कुछ बातें उनके आगे रखवाएंगे। तो इसलिए एक तरफ आपने देखा युवा वक्ता है, एक तरफ पर्यवेक्षक मंडल है, वो तो सिर्फ देखेंगे और कुछ बताएंगे। लेकिन अब आप मुझे कह रहे हैं, मैं 4-5 मिनट में बात करना चाहूंगी, टाइम से हम आगे चल रहे हैं और ये परिसंवाद का एक कार्यक्रम है। मुझे ये बहुत खुशी है कि तरुण तरंग के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ और 4 लोगों ने इसमें अथक परिश्रम किया और 4 ही युवा शक्ति के प्रतीक हैं। विकास शर्मा, डॉक्टर धनंजय आचार्य, अपर्णा, डॉक्टर अपर्णा धीर और डॉक्टर अभिषेक दुबे। इन 4 ने मिलकर जो ये योजना बनाई सब कुछ इन्होंने स्वयं किया। और जो हमारा यहाँ पर विचार हो रहा है कि बड़े लोगों का ये रहता है मुश्किल कि वो छोटों को काम छोड़ते भी नहीं है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये करते नहीं है और दूसरी तरफ वो छोड़ते भी नहीं है, तो कह देते तुम बच्चे हो, तुम्हें तो अभी कुछ अनुभव नहीं है, तो इसलिए अभी हमसे पूछ के करो। तो ये प्रोग्राम ये हमें दिखा देता है जो हमारा विषय है आज की चर्चा का, कि वो विषय एक किस तरह से उसको हम समझें और समझा सकते हैं। जब भी इन्होंने कुछ पूछा मैंने कहा तुम ही लोग करो और सच में इन्होंने जैसा किया आपने आज देखा। इसके अलावा जो 5वें स्तंभ थे, डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय, उन्होंने भी पूरी तरह से सहयोग दिया। वो भी तो युवा ही हैं, वो कौन से बहुत बड़े हैं, वो भी युवा हैं, लेकिन वो अच्छे कर्म करके, अच्छे मेहनत करके वो प्रिंसिपल के पद पर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों ने जो चर्चा की उसका एक ये भी सार है कि ज्यादातर मैंने पाया कि जगो जगो कहा गया, अवेक उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य। किसी ने विवेकानंद को कहा अवेक, और किसी उपनिषद वाक्य को तो कई लोगों ने दोहराया और ये माना कि शायद वो नकारात्मक सोच से ग्रस्त हैं, निराशा से ग्रस्त हैं, करते नहीं है और सरकार को ब्लेम करते हैं, घर को, परिवार को, कि नौकरी नहीं है तो हम करें क्या, पढ़ तो लिया नौकरी नहीं है। तो डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर जी ने ये भी दिखा दिया कि परिश्रम से हासिल होती है चीजें। तब आएगा, जैसा चिदम्बरम ने कहा कि प्रेशर मत दो, और ये बात बहुत सही है जो मुझे लगती है। हम पहले से मान लेते हैं कि युवा लोगों को करना नहीं आएगा, तो हम इसलिए उन्हें